का मंदिर पंजाई का बहादुरगढ़ का प्रभु जी के तत्वावधान में बना है और काफी सारे भक्त बने कांग्रेस ब्रह्मचारी सारे उनके तत्वावधान बढ़े और चंडीगढ़ में भी प्रभु जी की विशेष कृपा है यहाँ पे आते रहते हैं और हम भक्तों के यहाँ पे मार्गदर्शन देते हैं और प्रेरणा देते हैं भक्ति में उन्नति करने के लिए तो आज ये विशेष कार्य टॉपिक है श्रद्धा से प्रेम तक जो श्री विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का माधुर्य कादंबनी के ऊपर है तो कल पहला सेशन था जो कि बेसमेंट में था आज नेक्स्ट सेकंड सेशन है तो आज प्रभु जी से निवेदन करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू करें थैंक यू वेरी मच हरे कृष्ण कुंज बिहारी गोपी जाना वाला भागिरी वार धारी

हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 Rama, हरे Rama राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे या प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पद श प्रभु पदा न गौर बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद पात परम हंस फौजिक अश्तोत्रोष्ट शि श्री श्रीमत भक्ति विदान स्वामी शील प्रभुपात के जगदुर स्वामी शील प्रभुपात के जय विष्णुपाद परम हंस फौजि का आचार्य अश्तोत्र श्री श्री श्रीमत्वाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांस श्री ठाकुर महाराज प्रभुपात की आनंद कोटि वैष्णव विन्दे नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदादर शिवासि गोर भक्त विंद की श्री श्री माधव जी की श्री श्री के की शिला जी की पंच तत्व के की नरसिंह देव भगवान की देवी दे तुलसी महारानी की ग्रंथरा श्रीमद्भागवत गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी असेंबल डी वोट इज ऑल ग्लोरी असेंबल डी वोट इज ऑल ग्लोरीज टू दिंबल डी वोट इज ऑल ग्लोरी गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू शी प्रभु ओम अज्ञानी रंधस्ंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकान्तं तप्तकाञ्चन तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभासुते प्रणमा हरिप्रिवाकलपतरुभ्युुभव पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद श्रीअद्वगदाधर शिवासादि गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे हरे कृष्णा तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है तो कल से हम प्रयास कर रहे हैं कि शिला चक्र ठाकुर जी की बहुत ही विशेष पुस्तक शास्त्र है माधुरी कादंबनी और इसमें उन्होंने भक्ति रिसा सिंधु से जो कि रूप गोस्वामी द्वारा रचित है दो श्लोकों पे अपनी टीका दी है ये दो श्लोक जो भक्ति के पूरे मार्ग को प्रदर्शित करते हैं श्रद्धा से लेकर प्रेम तक और ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है हम सब साधकों के लिए कि हर स्टेज पे हमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं इसका पूरा ब्यौरा इस पुस्तक में दिया गया है माधुरी कादंबनी शब्द का क्या अर्थ है कोई बताएगा कल चर्चा हुई थी माधुरी कादंबनी इसका अर्थ क्या है प्रेम की बाढ़ कादम्बनी क्या होता है बादल जब बादल इकट्ठे हो जाते हैं क्लाउड बैंक उसको कादम्बनी बोलते हैं और माधुर्य मतलब भगवान की मधुरता है ना तो ये हमने चर्चा की थी और भगवत्ता का सार माधुर्य है और ये जो वर्षा हो रही है ये वर्षा है चैतन्य महाप्रभु की निरंकुश कृपा है ना महाप्रभु की नॉन स्टॉप मर्सी की वर्षा हो रही है इन बादलों के माध्यम से और ये जो श्लोक था मंगलाचरण का पहला श्लोक था हृद वपरे नवभक्ति वितते संजीवनी स्वगामा इसमें जो वर्षा हो रही है इससे पहला जो लाभ होता है कि जो हमारे हृदय के भूमि में हृदय के फील्ड में जो नवदा भक्ति अभी नई नई उसकी जो फसल बोई गई है उसको इस संजीवनी उसको इस शक्ति प्रदान करता है और इसमें सबसे प्रमुख है हरिनाम संकीर्तन और दूसरा इसका प्रभाव होता है स्वगम रंभे कम काम तपतरु देह दह दामनी जो हमारे हृदय में काम आग्नि जल रही है हम सब हार्ट पेशेंट हैं है ना बुरा मत मानना हम सब हार्ट पेशेंट्स हैं कैसे हार्ट पेशेंट्स हैं एनजियोग्राफी हो सकती है ठीक आ जाए लेकिन काम वास्तवें नज़र नहीं आती एनजियोग्राफी में तो <laughs> जो ब्लॉकेज है जो कृष्ण प्रेम को रोक रहा है वो बहुत बड़ी ब्लॉकेज है है ना वो है काम या तो काम रहेगा हृदय में या प्रेम रहेगा काम से भरा हुआ हमारा हृदय कैसे प्रेम का खेती होगी लेकिन महाप्रभु की कृपा में इतनी शक्ति है कि ये काम को भी प्रेम में बदल देता है प्रोपा उदाहरण देते हैं कि आपने दही दूध से दही बना लिया खट्टा लगा के जामन लगा के कोई भी संसार का ऐसा प्रोसेस नहीं है कि दही को दोबारा दूध में बदल दे है ऐसा कोई कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई अभी तक साइंस नहीं कर सकती है लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में चेतने महाप्रभु कृपा में इतनी शक्ति है कि दही को दोबारा दूध बना देगी हरी और <laughs> दही किसके समान है काम के समान है दूध है प्रेम के समान तुम्हारे तो हृदय काम से भरा हुआ है जहां काम है वह प्रेम नहीं जहां काम है वह राम नहीं जहां राम है वह काम नहीं लेकिन महाप्रभु की कृपा में इतनी शक्ति है उस वर्षा से जय श्री श्री राधा माधव जी की जय श्री श्री जय महाप्रभु की महा कृपा में इतनी शक्ति है इतनी बड़ी उम्मीद हम सबके, लिए इतनी बड़ी आशा की किरण किरण क्या पूरा सूर्य चमकता हो कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हमारे हृदय की महाप्रभु कृपा से हम इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं निरंकुश वर्षा है और ये जो वर्षा है जब होती है देखते नहीं कहाँ बरस रही है हर जगह बरसेगी तो कृपा हर सब खोर कर हर कोई इसको प्राप्त कर सकता है तो इसका दूसरा प्रभाव तीसरा प्रभाव है विश्व अप गलोसनी पूरे विश्व में अप मतलब पानी गलो असनी यानी कि पूरी जो नदियां इतनी वर्षा होती है तो नदियां बहना शुरू हो जाती हैं ओवरफ्लो करती हैं है ना तो नदियों की तुलना की गई है भक्तों से तो भक्तों के हृदय में जो प्रेम है वो ओवरफ्लो करता है और नदी ओवरफ्लो करके समुद्र की ओर भागती है और समुद्र है महाप्रभु के चरण उसकी तो कृपा के सागर हैं और इसमें अगर बीच में कुछ जंगली जानवर भी आ जाए जो कि मायावादी हैं निराकारी हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं वो भी इस बाढ़ में बह जाते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है ना चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती का भी उद्धार किया साधु भट्टाचार्य जो बहुत बड़े मायावादी थे उनको भी भक्त बना दिया तो ये महाप्रभु की कृपा है तो महाप्रभु जब अपने जीवन काल में थे तो केवल दृष्टि मात्र से ही सबको प्रेम दे देते थे लेकिन अब वो अपनी कृपा इस वर्षा के माध्यम से कर रहे हैं तो फिर विश्वनाथ जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं दूरन में मनु सखिनो अपी सरसी भव्या भूया प्रभु कि मैं आपसे बहुत दूर हूं आपकी वर्षा से मैं बहुत दूर हूं मेरी मैं अपनी तुलना कर रहा हूं एक मरु में एक रेगिस्तान में एक सूखे हुए वृक्ष की तरह लेकिन आपकी जो वर्षा है यही एकमात्र मेरी उम्मीद है और फिर उन्होंने रूप गोस्वामी जी से भी आशीर्वाद लिया और ये वो श्लोक है और ये जो वर्षा है ये आठ इसकी बोछारे हैं और आठ बोछारों में हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा दस आठ बोछारे चाहिए पहली बोछार में है फर्स्ट शोवर ऑफ नेक्टर इज सुपर एक्सीलेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने इस पहले चैप्टर को बहुत डिटेल चर्चा की है अगर उतनी हम डिटेल में जाएंगे तो हमारा पूरा हफ़्ता उसी में लग जाएगा बहुत डिटेल में चर्चा की है तो कल हमने बहुत छोटी सी कुछ उसके एक्सेप्ट लिए थे हाईलाइट्स लिए थे तो इसकी हम चर्चा करेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने इसमें चर्चा की थी कौन बताएगा कि आठ शॉवर्स ऑफ मर्सी हैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या चर्चा हुई थी याद है किसी को यस माता जी जोर से बोलना पड़ेगा माता जी माइक हरे कृष्णा प्रभु जी आपने बताया था कि जब एक में हम पूरा सफल हो जाते हैं तभी हमें दूसरे पे कृपा मिलेगी हाँ, सफल नहीं नहीं मतलब एक की पूरी कृपा हम सेट एक कृपा जिस ढंग से उस कृपा को हमने रिसीव किया है उस कृपा को कैसे हम उसको डील कर रहे हैं कैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके आधार पे हमारी दूसरी कृपा की बोछार होगी हाँ जी पहली कृपा की बोछार है कि हम भक्ति की महिमा को समझे है ना भक्ति हमें प्राप्त हो गई जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे हम तो ऐसे आगे प्रभुपाद जी के आंदोलन में आनंद की खोज में थे हम तो बढ़िया प्रसाद मिल गया तो बहुत अच्छी बात है कीर्तन अच्छा लगा अच्छी बात है लेकिन यहाँ मान चले नहीं आपके जीवन का लक्ष्य तो प्रेम करना है अच्छा और दूसरों से भी प्रेम करवाना है तो ये हो गया अब लग गए हम इसमें तो भक्ति की इंपॉर्टेंस को समझना हम हमें हमारे लिए हमारे लिए तो बाई चांस है ये बाई चांस नहीं था महाप्रभु की कृपा हो गई हम पे भक्तों की कृपा हो गई और इसको समझना है कितनी बड़ी कृपा हुई इसीलिए बड़ी विस्तार में उन्होंने भक्ति की महिमा का गुणगान किया है जब तक हम भक्ति की महिमा को अप्रिशिएट नहीं करेंगे हृदय से अगला स्टेप श्रद्धा शुरू ही नहीं होगा सही से आगे आज चर्चा करेंगे हम सोचते हैं श्रद्धा तो है ही हमारे पास आगे की बात करूंगा तो निष्ठा तक पहुंचना ही वाला हूं ना पहुंच ही गया ऑलमोस्ट प्रचार तो करता हूँ निष्ठा तक ही हूं बस काम तो अच्छा चल ही रहा है लेकिन जिस जंग से विश्वचंद ठाकुर बता दें कि श्रद्धा होती क्या है तो लगे अभी अभी श्रद्धा पे काम करना है पुस्तक की खूबी है कि हमारा जो सारा भ्रम है वो दूर कर देती है हमें सही रास्ता दिखाती है तो जिस ढंग से हम कृपा को रिसीव कर रहे हैं जिस ढंग से हम कृपा के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं उसको संभाल के रख रहे हैं उसी के आधार पे फिर दूसरा बोछार होगी और कृपा मिलेगी श्रद्धा आएगी साधु संग आएगा अनर्थ निवृत्ति होगी भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा आई एक एक ये इंस्टॉलमेंट है तो इसके लिए हमने कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए क्या चर्चा की थी हाँ रिसीवर अचीवर का नहीं रिसीवर हूं मैं है ना भिक्षुक हूं मैं भीख मांग रहा हूं भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कृतज्ञता एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ग्रैटिट्यूड कैसे विकसित कर सकते हैं अपने हृदय में हम प्रार्थना करके हाँ. हैं प्रेयर्स पेयर एक तरीका है ग्रैटीच्यूड एक्सप्रेस करने का क्या करना पड़ेगा ग्रेटिट्यूड अपने हृदय में कृतज्ञ प्रैक्टिस करने है इसके ना आदत बनाने आदत बनाने है आदत बनाने है ना हम मंदिर में आते हैं आ जाते हैं हमें लगता है हाँ आई तो है।, है? है बहुत बड़ी कृपा है किसके सामने खड़े हैं साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं बहुत बड़ी कृपा है प्रणाम कर रहे हैं किसको कर रहे हैं अरे भगवान है सामने है से कुछ भी बात कर सकते हैं हृदय को खोल सकते हैं बहुत बड़ी कृपा है किन के बीच में बैठे हैं महान भक्तों के बीच में बैठे हैं हर चीज को हम देखेंगे तो हमें कृपा हमें देखने का प्रयास करना चाहिए कुछ भी अगर हमारे जीवन में अनुकूल हो रहा है तो भी कृपा है जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार वह चीजें नहीं हो रही तब भी कृपा है ये एटीट्यूड ये विकसित करना और ये एटीट्यूड हम विकसित कर सकते हैं भक्तों के संग में पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन को देखकर जब तक ये ग्रेटिच्यूड ये कृतज्ञता कि जो मुझे मिल रहा है बहुत अच्छा है मेरे लिए मैं इसको डिजर्व नहीं करता था तभी ये आगे कृपा मिलेगी है ना हमारे दिल्ली स्टॉफ कैलाश मंदिर में एक भक्त हैं हनुमान प्रभु और उनका तकिया कलाम है उनसे जब भी मैं पूछता हूँ आर यू वो बोलते हैं मच बेटर देन आई डिज़र्व टू बी है न मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी मैं इतना डिजर्व नहीं करता उससे मैं ज़्यादा बेटर हूँ बहुत डीप स्टेटमेंट है <laughs> बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कहते हैं मैंने गुरु महाराज से सुनी थी ये स्टेटमेंट है ना तो ये एटीट्यूड ये कहने के लिए नहीं इसको हर चीज़ में रखना है मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी तो क्या है हम जो भगवान की कृपा है उसको आदर दे रहे हैं उसकी कदर कर रहे हैं तो भगवान हमें और कृपा देते हैं तो रिसीवर्स एटीच्यूड होना बहुत जरूरी है फिर हमने भगवान को बताया था कि भगवान ही ब्रह्म के आधार हैं भगवान रसों की अखिल रसामित मूर्ति हैं भक्ति देवी सेल्फ मैनिफेस्टिंग है जिस प्रकार तो से भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, भक्ति देवी उनकी स्वरूप शक्ति है भक्ति भगवान से अभिन्न है जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है भक्ति भी सच्चिदानंद है जिस ढंग तो से भगवान स्वराट है भक्ति भी स्वराट है भक्ति का कोई कारण नहीं है अहेतु की है अहेतु का मतलब कोई भौतिक कारण नहीं हो सकता भक्ति का भक्ति का कारण भक्ति ही है ना तो भक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है भक्ति भक्ति उन्मुख स्वकृति से नहीं भक्तों से ही प्राप्त होती है भक्तों के हृदय में जो भक्ति है वही हमारी भक्ति का स्रोत है हुं? क्या मतलब इसका कि भक्ति किसी प्रकार के पुण्य पाप किसी प्रकार के दान किसी प्रकार की तपस्या उस पर निर्भर नहीं करती भक्ति निर्भर करती है भक्ति पर ही किसी भक्त के हृदय में भक्ति है उस भक्ति के कारण उसके हृदय में करुणा है और वो हमें भक्ति देना चाहता है और वो भक्ति हमें प्राप्त होती है ठीक है भगवान भक्ति नहीं देते भगवान ने अपनी पूरी कृपा शक्ति भक्तों के हृदय में डाल दी और उनको इंडिपेंडेंस दिए कि वो कृपा जहां मर्जी बांटे ये भगवान और भक्तों के बीच में संबंध है भगवान अपनी पूरी कृपा भक्तों को देते हैं और फिर भक्त इंडिपेंडेंटली हुई कृपा को बांटते हैं जीव गोस्वामी जी कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता अगर भगवान भक्तों को अपनी कृपा बांटने की एजेंसी नहीं देते तो वह पृथ्वी पर भक्त बनना बहुत कठिन होता भक्ति का खूब प्रचार हो रहा है क्योंकि भक्त लोग कृपा बांट रहे हैं सो मर्सी ऑफ डिवोटी इज द कॉज ऑफ ऑप्टेनिंग भक्ति और जो मध्यम भक्त होते हैं उसके लक्षण होते हैं कि वो जो कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं जो भक्त हैं उनसे मैत्री करते हैं जो मासूम है उनको बांटते हैं कृपा और जो द्वेष करते, है, करते हैं उनको वो अवॉइड करते हैं ओके तो भगवान की जो कृपा शक्ति है वो भक्तों को प्राप्त होती है तो भक्ति कॉजलेस है कॉजलेस का अर्थ है भक्ति सेल्फ कॉजिटिव है मतलब भक्ति का कॉज भक्ति ही है ओके ये बात इस संसार में रहते हुए हमने कह दी लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये कॉज एंड इफेक्ट का जगत है हम जो कार्य करते हैं उसका हमें परिणाम दिखाई देता है हम जानते हैं भौतिक ब्रह्मांड है इस भौतिक ब्रह्मांड के ऊपर क्या आता है हुँ? भौतिक ब्रह्मांड है ब्रह्मा जी का लोग सबसे ऊपर का लोग है उसके ऊपर फिर क्या आता है हैं ज्योति कारण सागर यस उसके ऊपर होता है कारण सागर फिर कारण सागर के बाद है ब्रह्म ज्योति फिर आध्यात्मिक लोग शुरू होता है तो कारण सागर से परे यानी कि आध्यात्मिक जगत में कोई कारण नहीं है अनादि आदि कारण सर्व कारण कारण भगवान का कोई कारण नहीं है ना तो आध्यात्मिक जगत कोई कारण नहीं है अहेतु है लेकिन इस कारण साहब से इस तरफ भौतिक जगत इसका हर चीज का कारण है कॉज एंड इफेक्ट है ना किसी चीज का कारण होता है उसका परिणाम है फिर कारण है परिणाम है तो यहां रहकर हम ये बात समझ जाए कि भक्ति का कोई कारण नहीं, समझ में नहीं आता और इसका मतलब यह है कि भक्ति इस जगत की नहीं है तो हमें जो भक्तों की कृपा से भक्तों के हृदय से भक्ति मिल रही है ये इस जगत के नहीं है आउट ऑफ वर्ल्ड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आई है वो भक्ति तो इसका दिन कितनी महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक जगत से भक्ति हमारे हृदय में आई है भक्तों के माध्यम से बोलेंगे ये बात तो सरल है समझने में नहीं ये बात अगर हम सही ढंग से नहीं समझे तो हमारे की भक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं भक्ति भक्ति से उत्पन्न होती है भक्त भक्तों के हृदय में जो भक्ति है वो हमारी भक्ति का कारण है अगर इस बात को हम अच्छे ढंग से समझेंगे तो हमेशा हम प्रयास करेंगे कि अगर हम भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो जो दूसरों के भक्तों में भक्ति है उसके हम स्पर्श में रहें समझे दूसरे भक्तों को हृदय को प्रसन्न करेंगे तो वहीं से भक्ति ट्रांसफर होगी हमारे हृदय में और यही गुरु परंपरा है यही गुरु परंपरा है गुरु परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच में जो ज्ञान का ट्रांसफर होता है जो ज्ञान दिया जाता है वो हृदय से हृदय में दिया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होना था इस भौतिक जगत में तो वो कहते हैं भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आए वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए प्रभुपाद वहां लिख रहे हैं यही दीक्षा का प्रोसेस है हृदय से हृदय दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश हृदय तो हृदय से हृदय कैसे ट्रांसफर होगा जब हम अपनी सेवा से उनके हृदय को छुएंगे केवल दीक्षा लेने मात्र से जब उनके हृदय को प्रसन्न करेंगे तो यह ज्ञान हृदय से हृदय में ट्रांसफर होगा तब हमारे हृदय में परिवर्तन होगा है ना कैसे मालूम चलेगा कि हमारे हृदय में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ हमने जो दीक्षा लिया है उसका प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ कैसे मालूम चलेगा हम्म? हां भौतिक विच्छाएं भौतिक वासनाएं ये तो एक बहुत जनरल टेस्ट हो गया गीता में कहा बताया गया कि आप दीक्षा लेंगे तो ये परिणाम होना चाहिए जैसे फोर थर्टी फोर भविता में रह गया ना तदविधि परिपाते न परिप्रश् न सेवेया उपदेक्षित तेज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे हमने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ये ज्ञान हमारे हृदय में आ गया इसका प्रूफ क्या प्रूफ होगा क्या प्रमाण होगा अगला श्लोक है यज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं या सि पांडवा इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हे अर्जुन दोबारा कोई मोह में प्राप्त करेगा क्या मोह है उसमें कि उससे क्या होगा कि हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखेगा हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देख पाएगा जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं आता इसका मतलब अभी तक पूर्ण रूप से ट्रांसफर डाउनलोड नहीं हुआ है वह अभी हमने और सेवा करनी है और प्रसन्न प्रसन्न करना है गुरु परंपरा को तब ये ज्ञान ट्रांसफर होता कि हम हर जीव में हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देख पा रहे हैं भगवान से संबंधित देख पा रहे हैं ओके okay. तो भक्ति भक्ति से ही आती है भक्ति में उन्नति करनी है तो हम भक्तों पर निर्भर हैं है ना और इसीलिए अगर ये क्लैरिटी है तो ये भक्त जो है वर्तमान के भी भक्त और पूर्ववर्ती आचार्य भी भक्त सभी भक्तों को हमने प्रसन्न करता है तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति का और कोई कारण नहीं है जो दूसरे भक्तों के हृदय में तभी हम बोलते हैं वांछा कलपत्रुवे कृपा सिंधु आप कृपा के सागर हैं तो ये हम भक्ति के भक्ति में आगे बढ़ने का ये ईंधन है ओके अब विश्वनाथ ठाकुर जी भक्ति की तुलना बाकी प्रोसेसिस से करते हैं कर्म से ज्ञान से योग से भक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है लेकिन इन कर्म में ज्ञान में योग में सफलता पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है भक्ति की खूबी क्या है कि भक्ति हमारे हृदय में गंदी से गंदी स्थिति भी है पापी से पापी व्यक्ति भी है तो भक्ति के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं है ना ज्ञान में ज्ञान का पालन करने के लिए ज्ञान योगी क्या करते हैं निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं उनको ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए पहले अपने हृदय को शुद्ध करना होते हैं तब आगे बढ़ते हैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको संन्यास लेना पड़ेगा उससे पहले बात ही नहीं हो सकती गृहस्थ आश्रम में रह के ज्ञान मार्ग का पालन कर ही नहीं सकते आपको पूर्ण रूप से संन्यास लेना पड़ेगा और उसके बाद संन्यास से आपका पतन हो गया तो फिर आप गए खत्म बहुत ही रिस्की है और शिरटी भी नहीं है कर्म में क्या है कि कर्म में कर्म कांड कर रहे हो आप एक एक श्लोक का एक एक मंत्र का सही उच्चारण होना चाहिए थोड़ा सा गलत उच्चारण हो गया तो उल्टा प्रभाव हो जाएगा तो ये भी बड़ा टेक्निकल है भक्ति में ऐसी कोई बात है आपके हृदय की जैसे मर्जी स्थिति है जैसे मर्जी आपका इतिहास है क्या क्या उल्टे सीधे किसी ने कांड क्यों ना किए हों एक बार भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं ये भक्ति की खूबी है तो इसीलिए ये श्लोक आता है का श्लोक है व्रज वधुदम च विष्णु श्रद्धा वानित शुष्याद अथ वर्ण भक्ति पराम भगवती परिलभ्य कामाम मृद रोगम अश्व अपहनोति अचिरे नीरा है ना कोई अगर बहुत श्रद्धा से भगवान की रासलीलाओं का श्रवण करता है या इनका कीर्तन करता है जिस प्रकार से भगवान ने युवती गोपियों के साथ वृंदावन में किया तो उसको भगवान की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है और बहुत जल्दी वो धीर बन जाता है और अपनी काम वासनाओं को जो उसका हृदय का रोग है उसको वो जीत जाता है केवल भगवान की गोपियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान सुनने मात्र से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है इसी के लिए हमें मुकुंद माला स्त्रोत में एक बहुत सुंदर श्लोक है है ना? आप मेरे पीछे पीछे बोलिए सत्यम ब्रवी मनुजा स्वयं ऊर्ध बा यो यो मुकुंद नर सिंह जनार्द ने जीवो जपति अनुदीन मरणेरणेवा पाषाण काष्टा सदृश पढ़ेगा इसको जोर से पढ़े नेम ऑफ एंड जनार्दन डे आफ्टर डे इवन इन बैटल और वेन फेसिंग डेथ विल कम टू रिगार्ड हिज मोस्ट चैरिस्ट एम्बिशंस एज नो मोर वैल्यूएबल देन अ अ स्टोन और ब्लॉक ऑफ वुड तो राजा ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने दोनों को ऊपर उठाकर बोल रहे हैं कि मैं ये, ये की घोषणा करता हूं कि कोई भी जीव है जो भगवान के नाम मुकुंद नरसिंग जनादन प्रतिदिन इसको बोलता है चाहे वो रणभूमि में है या फिर मृत्यु का सामना कर रहा है अगर वो हमेशा भगवान का नाम ले लेगा और हरे कृष्ण महामंत्र में सारे नाम है भगवान के तो क्या होगा उसके हृदय में जो बहुत उसकी गहरी गहरी अभिलाषाएं हैं बहुत सुंदर उसकी बहुत महत्वाकांक्षाएँ काश मैं ऐसा होता काश मेरे साथ ये हो जाता भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से सब बड़ी बड़ी उसकी हृदय की महत्वाकांक्षाएं पत्थर या लकड़ी के समान हो जाएं। चली जाएंगे चली जाएगी सब हरे बोला होता है ना कई बार भक्ति करते करते कई बार हृदय के कोने में कई गहरी अभिलाषा छपी हुई है काश मैं थोड़ा और सुंदर होता काश थोड़ा और धन होता काश थोड़ा ऐसी स्थिति होती काश थोड़ा और ज्यादा पढ़ लिखा होता काश थोड़ा मेरा नाक थोड़ा टेढ़ा ना होता <laughs> ना होता वो ना होता बाकी सब ठीक है काश मेरे पति ऐसे होते मेरी पत्नी ऐसी होती काश ऐसा होता कहीं छुपा होता है कहीं ना कहीं तो अगर ये काश वही का रह गया तो फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा लेकिन निरंतर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो ऐसी बहुत गहरी गहरी जो इच्छाएं भी हमने छिपा के रखी हुई हैं हरी नाम के प्रभाव से एकदम डेड हो जाएंगे पत्थर की तरह या लकड़ी की तरह हो जाएंगे ये भक्ति का प्रभाव है लेकिन अगर हम किसी ज्ञान या योग का पालन कर रहे हैं इन इच्छाओं के साथ तो कोई सफलता नहीं मिलेगी वहां दिक्कत होगी राइट इसी ढंग से भक्ति में अगर कोई बहुत पापी व्यक्ति भी है उसकी भी निंदा नहीं की गई और भगवान गीता में इसकी पुष्टि करते हैं बहुत प्रसिद्ध श्लोक है नवे अध्याय का तीसवा श्लोक अपिचे सो दुराचारो भजते माम भाग साधु एवं समंतव्य सम्यक व्यवस्था हिसा अगर कोई बहुत बुरा सा बुरा काम भी क्यों ना करे लेकिन कृष्ण के भक्ति में अनन्य भक्ति में जुड़ा हुआ है तो उसको साधु ही मानना चाहिए साधु एवं मंतव्य है ना हम लोग इस संसार में रह रहे हैं तो हमारे दो रूप हैं एक शरीर के लिए काम करते हैं एक आत्मा के लिए काम करते हैं शरीर के लिए काम करते है, करते है, हम देखते हैं भक्तों में है, कई बार बहुत गुस्सा भी कर देते हैं भक्त हो सकते हैं व्यभिचार करते हुए हमें दिख जाए भक्त हो सकते गाली ग्लोज करते हुए भी दिख जाए अरे क्या भक्त है सुबह सोलह माला करता है रात को गाली देता है क्या है ऐसे ये कोई भक्त है ये कोई भक्त है कोई भक्त नहीं है ना हम ऐसा सोच सकते हैं नहीं भगवान बोले नहीं साधु है वो सामतव वो साधु ही है इसको साधु ही मानना चाहिए समझ नहीं आ रही बात कैसे आप कह रहे हैं साधु ही मानना चाहिए साधु एवं मंतव्य मंतव्य मतलब निर्देश है मानो ऐसा नहीं देख ले तो मानो या मर्जी है मानो मानना पड़ेगा चेत सो दुराचार हो अगर वो दुराचार भी कर रहा है तब भी उसको साधु मानना ही पड़ेगा क्यों भाई ऐसी उसकी क्या योग्यता है भजते माम अन्य भाग उसको ये बात तो समझ में आ गई है ना कि भजन तो केवल कृष्ण का ही करना है और किसी का नहीं करना किसी और देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना और कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना कि केवल कृष्ण भक्ति ही करनी है इतनी बात किसको समझ में आती है हर किसी को समझ में नहीं आती ये बात समझ में आ गई है साधु ही मानना पड़ेगा उसको अरे बोले बहुत बढ़िया श्लोक बता दिया प्रभु जी आप तो खुल गए <laughs> सारे बंधन खोल दिया आपने मजा आ गया सुन के बहुत अच्छा है बहुत बहुत ये श्लोक तो याद कर लेंगे सबको सुनाएंगे नहीं उसमें ऐसा नहीं है इसका गलत फायदा नहीं उठाना कि हम दुराचार करते रहें और बस हर मैं भगवान को ही मानूंगा ना एक्सीडेंटली हमारे पुराने संस्कारों के कारण है ना, ना। हमसे गलतियां हो जाती हैं हमें पता नहीं चलता और उसके बाद हम पछताते भी हैं तब भी उसको साधु मानना चाहिए तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी आर्गूमेंट कर रहे हैं चलो ठीक है आप कह रहे हैं साधु मानना चाहिए जब माला करते हुए दिखाई दे रहे हो तो साधु मान लेंगे जब गाली दे रहे तब थोड़ी साधु मानेंगे कभी मान लेंगे कभी नहीं मानेंगे जैसे उसका व्यवहार होगा उसके हिसाब से मान लेंगे एज पर द मेरिट ऑफ द केस देखेंगे ऐसे अंदाधू थोड़ी साधु मान लेंगे नहीं 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 हमेशा साधु ही मानना है यानी कि जब ऐसा करें तब भी साधु ही मानना है ये भक्ति की खूबी है ये भक्ति की उत्कृष्टता है भगवान क्योंकि आसान नहीं है कई बार हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं प्रभु जी वो मायावादी हैं वो उल्टे सीधे किसी गुरु जी को मानते हैं लेकिन हैं बड़े विनम्र बहुत मदद करते हैं वो अंकल जी बहुत अच्छे हैं सबकी मदद करते रहते हैं और ये हमारे भक्त हैं सोलह वाला करते हैं ये कुछ पता नहीं बड़ा अजीब सा व्यवहार है ठीक से बात भी नहीं करते तो ये इतने अच्छे नहीं लगते वो बड़े अच्छे हैं है ना कई बार ऐसा दिखता है ना कि ये जेंटल मैन है ये तो दुर्जन है <laughs> हमें ऐसा लग सकता है नहीं भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं है क्योंकि कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है जो जिसको ये बात समझ में आ गई वो साधारण व्यक्ति नहीं है लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना प्रभुपात कहते हैं हमारे भक्तों क्या होना चाहिए परफेक्ट जेंटलमैन हमें एक बहुत परफेक्ट सज्जन व्यक्ति बनना है हमारे व्यवहार में सबसे लेकिन कभी कभी बाय चांस गलती हो जाती है तो या दूसरे से गलती हो जाती है तो हमें याद रखना चाहिए वास्तव में वो साधु ही है ये केवल भक्ति में ही ऐसा अलाउड है और कहीं नहीं तो भक्ति की उत्कृष्टता है इसके बाद दूसरा श्लोक भी में स्कंद में आता है मध्यमान भक्त विषय अजित इंद्रिया प्राय प्रगल भक्ता नाभिभूयते भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि अगर किसी मेरे भक्त ने पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों को नहीं जीत पाया और अभी भी भौतिक इच्छाओं से प्रताड़ित है लेकिन क्योंकि उसके मेरे प्रति बिल्कुल अनन्य भक्ति है वो कभी इंद्र तृप्ति के सामने हारेगा नहीं अंततः उसकी ही जीत हो तो बहुत उत्साह वर्धक श्लोक है हम सब संघर्ष कर रहे हैं अपने मन से अपने इंद्रियों के साथ लेकिन एक बार कृष्ण को भगवान बना लिया है यही अपने जीवन का लक्ष्य ढाल लिया हमने कि कृष्ण को ही भक्ति करने है कृष्ण को ही प्रसन्न करना है तो बीच के रास्ते में हम गिल रहे हैं स्लिप हो रहे हैं लेकिन बाबर खड़े हो रहे हैं फिर प्रयास कर रहे हैं तो जीत हमारी ही होगी हरी बोल देखिए अजामिल को भी भक्त माना गया हालांकि अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया नारायण उसको केवल नाम का अभास हुआ भगवान पे उसकी पूरी कृपा कर दी तुरंत विष्णु दूत आ गए उनकी रक्षा करने के लिए तो सुखदेव गोस्वामी जी छठे स्कंद में आर्गुमेंट्स देते हैं अजामिल ने तो बेटे को पुकारा उसका क्या प्रभाव होगा जो भगवान को रो रो के पुकारेगा अजामिल ने अपने नशे में था वो एकदम पापी व्यक्ति था उसने पुकारा उसकी क्या हालत होगी चार नियमों हो का शक्ति से पालन करते हुए पुकार रहा है जामिन को तो कोई श्रद्धा ही नहीं थी उसकी क्या हालत होगी जो पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारेगा और ने तो मृत्यु के समय पुकारा उसकी क्या हालत होगी जो पूरा जीवन भगवान को पुकारता रहेगा अब सोचिए क्या है जिसने ऐसे बिल्कुल सब नेगेटिव परिस्थितियों में से अपने बेटे को भी नहीं पुकारा उसकी इतनी रक्षा हो गई और जो प्रेम से प्रतिदिन सब नियमों का पालन करते हुए रोज बोल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 उसकी क्या स्थिति होगी है ना तो कितने हम सौभाग्यशाली हैं तो भक्ति संजाय ते भक्ति बार बार विष्णु विष्णुचक ढागुर जिसको समझा रहे हैं भक्ति की उत्पत्ति भक्ति से ही होती है तो इसको कैसे समझना है कि जैसे दूसरे प्रोसेसेस हैं है ना आ, कर्म कांड कोई कर रहा है कोई यज्ञ किया वो स्वर्ग में पहुंच गया फिर उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है साधन और साध्य में अंतर है हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया तो साधना की आवश्यकता नहीं है ज्ञानी लोग हैं वो अपने ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए फिर कोई उनको तपस्या की आवश्यकता नहीं है योगियों को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया फिर योग यम नियम इत्यादि कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन भक्ति की क्या खूबी है भक्ति में साधना और साध्य एक ही है एंड एंड मीन्स आर सेम दैट मीन्स द जर्नी इज एज जॉयफुल एज अ डेस्टिनेशन है ना जहां पहुंच के जितना आनंद उठाएंगे वो जर्नी में इस यात्रा में उतना ही आनंद है ओके बाकी प्रैक्टिस में क्या है अगर हम अपनी पूर्णता के पास परफेक्शन तक पहुंच रहे हैं तो प्रैक्टिस हम कम करते जाएंगे बाद में परफेक्शन में पहुंच गए तो प्रैक्टिस छोड़ देंगे भक्ति में ऐसा नहीं है भक्ति में साधना भक्ति से भाव भक्ति भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति जब हम भाव भक्ति में पहुंचेंगे तो जो हम साधना कर रहे हैं श्रवण कीर्तन की वो साधना भी चलती रहेगी भाव से प्रेम में पहुंचेंगे तो भाव की स्टेज भी प्रेम में ही है तो भक्ति संजायते भक्ति तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्म दास ठाकुर जी सुंदर श्लोक देते हैं पाकि से प्रेमा भक्ति अपक साधना रीति भक्ति लक्षण तत्व सार बोले पकीले से प्रेम भक्ति जो प्रेमा भक्ति है जब कृष्ण पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाती है परिपक्व हो जाती है और साधना भक्ति जो है वो अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई एक कच्चा आम है और एक पक्का आम है लेकिन जब पक्के आम के अंदर कच्चा आम अपने आप है यानी कि इसका हमारे जीवन में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि जितने अच्छी ढंग से हम साधना करेंगे उतना अच्छा हमारा हम जल्दी भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं एक नेट प्रैक्टिस है ना हम हाँ ये नहीं कह सकते अभी तो मैं जैसे मर्जी कर लूँ एक बार भगवान के धाम पहुँच जाऊँगा तब अच्छा कीर्तन करूँगा है ना अभी तो काम चलाऊ कर रहा हूँ बस एक बार भगवान के धाम जाने दो फिर मैं अच्छी भक्ति कर लूंगा नहीं हमारा सिलेक्शन होगा भगवान के धाम जाने के लिए देखा जाएगी अभी आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना किसी क्रिकेट के प्लेयर को क्रिकेट की टीम में तभी चुना जाएगा कि भैया आप प्रैक्टिस मैच में कैसे खेल रहे हो है ना उसमें ये भौतिक जगत में हम कैसी साधना कर रहे हैं उसके आधार पे निर्धारित करेगा तो भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है साधना और साध्य में कोई अंतर नहीं है तो जो आनंद हमें भगवान के धाम जाके भक्ति करने का मिलेगा वो आनंद हम यहाँ साधना करते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सही ढंग से साधना करते हैं ओके इसीलिए इतनी महिमा सुनने के बाद विश्वनाथक ठाकुर जी कहते हैं कि किसी की भी बुद्धि थोड़ी सी भी विकसित है वो जरूर भक्ति करेगा उसके जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति ही होगा प्रेमो पुमार्थो महान अगर किसी को इतना सुनने के बाद भी जीवन का लक्ष्य भक्ति नहीं माना तो हम नहीं कह रहे विष्णुचंद ठाकुर जी कह रहे हैं उसको मनुष्य नहीं मानना चाहिए बड़ा फेनेटिक स्टेटमेंट है जिसने भक्ति की इतनी उत्कृष्टता सुनने के बाद भी आपने जीवन का लक्ष्य कुछ और कुछ बना के रखा हुआ है तो वो मनुष्य नहीं है तो बोल रहे पशु है इतना इतना जानने के बाद आसान है इतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगा इतना भगवान इतने कंसेशन दे रहे हैं उसके बाद भी वो इधर उधर भटक रहे है। तो फिर वो मनुष्य नहीं समझना चाहिए ना निवृष्ण उपगीय महानात श्रोत मनोभ का उत्तम श्लोक गुणानुवादत पुमान विरजत बिना पशु घनात तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं भागवतम के दशम स्कंध में कि जिनका हृदय सारी इच्छाओं से मुक्त है और वो जो आपकी कथा को सुनते हैं पूरा पूरे गुरु परंपरा के माध्यम से ये भगवान की कथा भव औषधि के रूप में कार्य करती है तो केवल दो ही व्यक्तियों का आपकी कथाओं में रुचि नहीं होगी कौन कि जो कि उत्तम श्लोके गुणानुवादत जो पशु घनात जो कि पशुओं की हत्या करते हैं हु? और जो स्वयं पशु के समान है उनके हृदय में आपकी कथा को सुनने की रुचि नहीं होगी तो इसीलिए जो जैसे कि भागवतम के दूसरे स्कंद में वर्णन आता है कि इतनी बड़ी आयु का क्या लाभ अगर हमने भगवान का स्मरण नहीं किया बोले मनुष्य और पेड़ में क्या अंतर है बोले मनुष्य की आयु तो बहुत बड़ी है बड़ी आयु का लाभ क्या बोले नहीं नई जो मनुष्य सांस लेता है बोले अब सांस तो जो लोहार की घोमपनी होती है वो भी लेता है नए 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 मनुष्य है वो आहार कर सकता है मैथुन कर सकता है वो तो पशु भी करते हैं तो जब तक मनुष्य भक्ति नहीं करता धर्मे नहींना पशु भी समाना तो यही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए फिर अंत में दोबारा से वो समराइज करते हैं छह लक्षण बताते हैं भक्ति के बहुत से गुण हैं लेकिन छह गुणों को बताते हैं भक्ति सर्वव्यापकम सब जगह जिस प्रकार से भगवान सर्वव्यापक हैं भक्ति भी सर्वव्यापक है यानी किसी भी भौतिक परिस्थिति में किसी भी अवस्था में किसी भी दशा में भगवान की भक्ति की जा सकती है ना शिला प्रभुपाद जी ने इसको करके दिखाया शिला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर छोड़कर चले गए बावरी स्ट्रीट और बावरी स्ट्रीट को उन्होंने वैकुंठ बना दिया अपने प्रभाव से हर जगह भक्ति हो सकती है हर अवस्था में भक्ति हो सकती है मां के गर्भ में भक्ति किसने करके दिखाई परिषित महाराज और प्रहलाद महाराज बचपन में किसने भक्ति करके दिखाई ध्रुव महाराज युवावस्था में किसने भक्ति करके दिखाई अम्बरीश महाराज परीक्षित महाराज वृद्ध अवस्था में मृत्यु परायण किसने भक्ति करके दिखाई अजामिल ने है ना और नर्क जाके किसने भक्ति करके दिखाई वृतासुर ने है ना स्वर्ग में जाके किसने भक्ति करके दिखाई राजा चित्रकेतु ने चाहे स्वर्ग हो नर्क हो एकदम मृत्यु या मृत्यु पे पड़े हो मां के घर में हो छोटे बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो कोई भी हो पशु भी क्यों ना हो गजेंद्र ने भक्ति करके देखा है तो भक्ति सर्वव्यापक है किसी भी अवस्था में हो सकती है और दूसरा है भक्ति सर्वशीकृतम सबको कंट्रोल कर सकती है भक्ति भक्ति में वो शक्ति है जो कृष्ण को नियंत्रित कर सकती है तो किसको नियंत्रित नहीं कर सकती है ना ये भक्ति की शक्ति है और भक्ति सर्व कम सबको नरिशमेंट पोषण करने वाली है ना कभी भी हम हतोत्साहित अनुभव कर रहे हो अपने जीवन में परेशानी अनुभव कर रहे हो तो क्या शुरू कर देना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 भक्तों के संग में आए खूब नाचें अपने आप से परेशानियां दूर या श्रीमद भागवतम की शरण ग्रहण करें भागवतम को ले उसकी शरण ग्रहण करें जो भक्ति का अंग हमें सबसे ज्यादा पोषण करता है उस अंग की शरण ग्रहण करें हियरिंग करें चैंटिंग करें डांसिंग करें भगवान की अर्चना करें जो हमें ज्यादा पोषण देता है भक्ति हमें वास्तव में पोषण देती है है ना और सर्वकर्षण परमा सबसे उत्कृष्ट अवस्था है भक्ति की कर्म से ज्ञान से योग से हम चर्चा कर चुके हैं और अंत तो में बताया गया है स्वतंत्रयम् भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और फिर है सर्वप्रकाशनम सेल्फ मैनिफेस्टिंग कॉजलेस है भक्ति ओके okay. तो ये पहला जो बोछार है ये पहले बोछार में भक्ति की उत्कृष्टता को बताया गया ये हमने संक्षेप में बताया और माधुरी कांदम्बनी में इसको बहुत विस्तार में बताया गया था और पूरा विस्तार में एक, एक पॉइंट चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा राइट अब हम दूसरे बोछार की ओर पढ़ते हैं है ना तो इस पहले इस बोछार को भगवान की कृपा को प्राप्त करने के बाद आप लोगों की क्या मानसिक स्थिति है आपका भक्ति के प्रति क्या रवैया हो गया क्या कोई बताना चाहे और शेयर करना चाहेगा इतनी भक्ति की उत्कृष्टता को सुना तो हृदय में क्या भाव आ रहा है भक्ति को लेकर रुचि बढ़ी और भरोसा बढ़ गया श्रद्धा बढ़ गई और आप विश्वनाथ ठाकुर जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एकांतिक मति आप भक्ति ही करनी है बस है? ये ये आ गया तो बहुत अच्छा है मतलब कि पहली कृपा को हमने रिसीव कर लिया अब भक्ति करनी है बस अब जीवन का अलग प्रेमा भक्ति है ना? कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में भक्ति करता रहूंगा ठीक है इसके लिए आया नहीं इसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं हरी वो ठीक है तो ये पहली कृपा को हमने रिसीव किया और इस कृपा को ठीक ढंग से हृदय में धारण कर लिया तो हृदय में यह परिवर्तन आना चाहिए कि अब यही जीवन का लक्ष्य है ओके इससे एकांतिक श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए अब दूसरी जो बोछार है उसमें वो बता रहे हैं भक्ति की अंतरंग गुण बता रहे हैं है ना जो साधना भक्ति है और जो उत्तमा भक्ति है इसका अंतरंग गुण क्या है हाँ कोई पढ़ सकता है माइक समान कर समझ माइक उसके बाद पढ़िए डिंडाभडर लाइफ फोर्स ऑफ दिस वाइन ऑफ भक्ति इज दे कंटिन्यूल रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू वर्स लॉर्ड श्री भगवान इन ए मैनर डैट इज फेवरेबल फॉर हिज वेल बींग एंड फुल ऑफ एफेक्शन फॉर हिम भक्ति हमने ऐसे करनी है कि भगवान को प्रसन्न करना है और बड़े प्रेम से करनी है चाहे साधना भक्ति है उत्तम भक्ति है ये भक्ति का एक जीवन है भक्ति का अर्थ ही है कृष्ण को प्रसन्न करना और बड़े प्रेम से प्रसन्न करना है ना ये क्वालिटी है भक्ति इतना हमने सुना तो हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए हाँ अब मैंने कृष्ण को प्रसन्न करना है बड़े प्रेम से बृह धावता में ने मणि बताते हैं अगर हम प्रेम के बिना भक्ति करते हैं तो चार उदाहरण देते हैं बड़े इंटरेस्टिंग बड़े प्रेम के बिना जो भक्ति है वो बिना नमक के सब्जी खाने के ना आपने सब्जी बनाई बहुत बढ़िया शाही पनीर बनाया बिना नमक के आ, टेस्ट नहीं आया फीका बिना प्रेम के भक्ति सब्जी बिना नमक के दूसरा उदाहरण देते हैं बिना प्रेम के भक्ति एक ऐसा उद्यान है गार्डन है जिसमें कोई फल नहीं है और तीसरा उदाहरण देते हैं बिना प्रेम के भक्ति ऐसी है कि पूरे शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन उसका सार समझ में नहीं आया क्या है क्या और चौथा देते हैं बिना प्रेम के भक्ति करने का मतलब है कि बिना भूख के आप कोई आपके सामने छप्पन भोग लगा दे भूख ही नहीं है क्या करो <laughs> तो इसका मतलब क्या है हम चाहे जिस भी अवस्था में है बोले अभी तो हमारे हृदय में प्रेम तो है नहीं हम कैसे करें जितना भी प्रेम है क्योंकि कुछ तो अंकुर है हमारे अंदर उस पूरे प्रेम के साथ हम नाम जो जप करते हैं प्रेम के साथ करें श्रवण करते हैं प्रेम के साथ करने का प्रयास करें प्रेम का अर्थ है पूरी सेवा की भावना के साथ है ना प्रेम का मतलब नहीं है कि आंखों में आंसू लाने ही लाने हैं तभी प्रेम मालूम चलेगा जितनी सेवा की भावना है जो भी हम सेवा कर रहे हैं पुस्तक वितरण कर रहे हैं प्रभुपात की प्रसन्नता के लिए जान लगा देंगे कीर्तन कर रहे हैं प्रभुपात की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं उत्साह से राधा माधव की प्रसन्नता के लिए श्रवण कर रहे हैं ये श्रवण प्रभुपात को बहुत प्रसन्न कर रहे हैं। गुरु को प्रसन्न करें लेक्चर दे रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं प्रेम से करें प्रसाद पा रहे हैं महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना बड़े प्रेम से है ना जो भी करना है एक सेवा की भावना से करने का कर प्रयास करें तो हमें भक्ति हमेशा वो भक्ति कृष्ण को आनंद देगी कृष्ण को आनंद देगी तो हमें आनंद, तो हमें आनंद मिलेगा कभी भी फीकी नहीं लगेगी और इसमें ये प्रेम नहीं है तो कई बार भक्ति फीकी सी लगती है बोझा सा लगता है रिचुअल सा लगता है नहीं ऐसे बहुत एक्साइटमेंट है अगर हम इस बात को समझे इसलिए बोल रहे हैं फंडामेंटल लाइफ फोर्स बहुत ही जो मुख्य बात है भक्ति का जो जीवन है वो ये इसको निकाल देंगे तो भक्ति निर्जीव सी हो जाएगी ये मुख्य बात है ओके और फिर वो बता रहे हैं कि जो भक्ति जैसे हम शुरू करेंगे तो दो इसमें पत्तियां निकलेंगी वो दो पत्तियां क्या है क्लेशाग्नि और शुभता, है ना भक्ति रसाम सिंधु में ही पढ़ते हैं शुद्ध भक्ति के साधना भक्ति में दो लक्षण प्रकट होते हैं क्लेशाग्नि और शुभता, और जो ये दो पतियाँ हैं विश्वाच ठाकुर जी बताते हैं इसका जो ऊपरी सरफेस है सतह है वो बहुत मुलायम है चमकीला है वो कहलाते हैं राग भक्ति और जो निचली सरफेस है वो बहुत खुरदरा सा है वो कहलाते हैं वेदी भक्ति यानी कि साधना भक्ति भी दो प्रकार की होती है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति ओके okay? राग भक्ति क्या होती है जो व्रजवासियों की भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है राग मतलब अटैचमेंट प्रेम है ना ये शोधा और नंद का प्रेम है ना गोपियों का कृष्ण के लिए प्रेम ग्वाल बालों का कृष्ण के लिए प्रेम ये रागात्मिका भक्ति है अटैचमेंट है प्रेम है और रागानुगा है कि ऐसे व्रजवासियों के अनुगत होकर साधना करना आप इस इच्छा के साथ साधना करना कि हम भी कब यशोदा मैया की तरह कृष्ण से प्रेम करेंगे हम कब ललिता सखी की तरह कृष्ण से प्रेम करेंगे ये इच्छा के साथ इस भावना के साथ रागानुगा भक्ति कहलाती है तो ये बहुत ही स्मूथ चमकीला है ना और चैतन्य महाप्रभु हमें यह देने आया रम्या क्वाचित उपासना वज वधु गोपी है ना कि कैसी उपासना करनी चाहिए कृष्ण की जिस प्रकार से गोपियां कर और जो निचला सरफेस है वो थोड़ा खुरदरा है वो है वैदिक भक्ति वो थोड़ा डर से गुरु जी का आदेश है शास्त्रों में लिखा है बताया गया जीवन का लक्ष्य है करो भैया करनी ही पड़ेंगे वो ये है वो थोड़ा खुरदरापन लगता है तो हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं अभी <laughs> तो चेतन महापू कौन सी भक्ति देने आए हैं तो हम कौन से हम तो चैतन्य माओ के फॉलोवर हैं गोड़िया वैष्णव हैं तो कौन सी भक्ति करनी चाहिए तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम भी जो जी कृपा से हमें राग मार्ग में ही हैं हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है आप बोलेंगे लेकिन हम तो शास्त्रों के आदेशों के अनुसार ही कर रहे हैं करना पड़ता है इसलिए कर रहे हैं अभी स्तर पर कहाँ आया बिल्कुल ठीक बात है तो प्रभुपाद जी ने और श्री अजीव गोस्वामी जी का भी इसमें वर्णन आता है एक अलग टॉपिक है हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन तो का भक्ति को समझाने में आपने अगर भक्ति के सामने सिंधु पढ़ी है तो ये क्लैरिटी होगी लेकिन थोड़ा सा बताएंगे कि आ, हमारे जीवन का लक्ष्य तो यही है इसी राग मार्ग को प्राप्त करना है दो प्रकार के मार्ग होते हैं एक राग मार्ग जो हमें गोलोक वृंदावन ले जाएगा एक विधि मार्ग जो वैकुंठ जाता है तो हम किस मार्ग में हैं राग मार्ग में महाप्रभु हमें राग भक्ति देने आए उसी का प्रचार करने और हमें उन्हीं को पालन करना है लेकिन उस मार्ग को पालन सही ढंग से करने के लिए एक योग्यता है वो योग्यता क्या है लौल्यम लालचन लालच हो एकदम इंटेंस ग्रीड और वो आती है रुचि के बाद जब रुचि की स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो रुचि की स्टेज के बाद हम क्वालिफाई हो जाते हैं रागानुगा भक्ति का पालन करने के लिए तब तक इस रुचि की स्टेज में हम सही ढंग से सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए तो हम नियमों का अच्छे ढंग से पालन करते हैं एन वे हमारी जो भक्ति हम प्रतिदिन तुलसी मारने से प्रार्थना कर रहे हैं मोराई अभिलाष विलास कुंज दीवास ये हमारी अभिलाषा है इसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं लेकिन हम इसके योग्य बन जाएं तो हम भी राग की भक्ति कर रहे हैं लेकिन ऊपर हमारी जो कवरिंग है वो वैदिक भक्ति की समझ रहे हैं? हमारे जो हम जिस प्रकार से श्रृंगार करते हैं जिस प्रकार से हम कीर्तन करते हैं ये सब राग मार्ग का है लेकिन जो हमारी कवरिंग है ऊपर से ताकि हम बहक ना जाएं सहजिया उसमें ना आ जाएं तो हम वैदि मार्ग के एक कवरिंग है लेकिन असल में हमारे जीवन का लक्ष्य और हम राग मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हैं ओके लेकिन जो भी हो इसके दो लक्षण होते हैं क्लेशाग्नि और शुभधा और आ, इसमें पांच प्रकार के क्लेश पतंजलि के अनुसार बताए गए हैं पहला क्लेश है अविद्या अविद्या में अविद्या के कारण हम अपने आप को इस शरीर मानते हैं और हम समझते हैं शरीर का सुखी सबसे बड़ा सुख है है ना और पूरे जीवन का लक्ष्य शरीर को जहाँ से सुखी बनाए पूरा संसार इसमें लगा हुआ है तो ये अविद्या है ये क्लेश का कारण है दूसरा है अस्मिता अस्मिता मतलब अहंकार मिथ्या अहंकार मैं और मेरा मैं ये शरीर हूं यह शरीर से जुड़ी मेरी है. मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी मेरी गाड़ी मेरा क्षेत्र ये सब अस्मिता है. फिर है राग जो चीजें मेरी इंद्र तृप्ति में सहायक होती हैं, उनके पति राग और द्वेष, जो इंद्र तृप्ति में सहायक नहीं है उनसे द्वेष और फिर है अभिनिवेश इस राग और देश में हम पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बस ये चीज मुझे चाहिए जो मेरे इंद्र तृप्ति को बढ़ाएंगे और इन चीजों से मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा जो मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा है इसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और देहात्म चेतना और हमारे संस्कार गहरे हो जाते हैं और इस प्रकार से क्लेश के कारण बनते हैं है ना अविद्या है मिथ्या अहंकार है फिर राग है द्वेष है और उसमें फिर पूरा एब्जॉर्ब है लेकिन भक्ति करते हैं तो ये सब समाप्त हो जाता है ना पूरी विद्या ही समाप्त हो जाएगी हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और राग द्वेष भी गायब हो है ठीक है और पाप है फोर और पाप हैं प्रारब्ध अप्रारब्ध कुट और बीज ठीक है ये भी भक्ति रस में सिंधु में आपने पढ़ा होगा प्रारब्ध होते हैं जिसका फल हम भोग रहे हैं इस जीवन में अप्रारब्ध वो है जिसका फल अभी जो भी टैंक में स्टोर्ड है कई जन्मों का टैंक्स भरे पड़े हमारे पापों से जो कि अभी प्रकट नहीं हो रहे छिपे हुए हैं और कोट वो है कि ये जो पाप का परिणाम अभी नहीं मिला उसका जो एंड रिजल्ट होगा पहले वो कैसे प्रकट होता है वासनाओं के रूप में इंप्रेशन पाप करने की इच्छा होगी हमारे पहले वासनाएं आएंगी और फिर धीरे धीरे वो वासनाएं बीज का रूप ले लेंगी और बीज से फिर प्रारंभ हो जाएगा है ना लेकिन भक्ति करते हैं हर स्टेज का पाप खत्म हो जाता है ना भक्ति के सामने सिंधु में इसकी विस्तार में वर्णन किया गया है अभी हम नहीं करेंगे नहीं तो फिर पूरा क्लास उसमें ही हो जाएगा हमारा विषय कुछ और है जो भी हो साधना भक्ति हम शुरू करते हैं तो ये हमारे क्लेशों को खत्म करती है हमारे सारे पापों को खत्म करती है ठीक है पाप को जड़ से खत्म करती है राइट अब आते हैं हम श्रद्धा तो जो ये साधना हम कर रहे हैं साधना की शुरुआत होती है श्रद्धा से और आसक्ति तक साधना है इतना कुछ हमने सुना और विश्वनाथ ठाकुर जी इसलिए बता रहे हैं कि इतना सुनने के बाद क्या हो जाए ये श्रद्धा विकसित हो जाए श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय जोर से बोलिए आप लोग ढीले पड़ गए थोड़े श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म हाय पढ़िए प्लीज श्रद्धा इज कॉन्फिडेंट फॉर्म फेथ बाई रेंडरिंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय सुदृढ़ हो गया कृष्ण भक्ति कर ली तो सब कुछ कर लिया देखिए जब हम साधना भक्ति कर रहे होते हैं तो एक तरफ तो है गुरु साधु शास्त्र के आदेश हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए सुबह जल्दी उठना है ये है ये है पूरा बताया गया कैसे करना है और एक तरफ है हमारे मन में कई जन्मों के संस्कार इंद्र तृप्ति करो कर लो इंद्र तृप्ति थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है कर लो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता संस्कार नीचे खींच रहे हैं गुरु साधु शास्त्र के उद्देश्य ऊपर खींच रहे हैं तो बेचारा साधक की बुरी हालत है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है परेशान हो जाता है हो रहे आप में से कुछ लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं <laughs> प्रतिदिन संघर्ष चलता है है ना फिर लेक्चर सुनते हैं कोई शास्त्र पढ़ते हैं नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए करने का प्रयास करते हैं फिर हमारे संस्कार हवे रहते हैं अरे कहाँ जा रहे हैं नीचे आ चल <laughs> एक ही दिन में साधु बन जाएगा अरे अब या नहीं चल थोड़ी कर क्या फ़र्क पड़ता है ना थोड़ा वो चलना चाहिए ना? तो ये चलता रहता है संघर्ष है और इसका मतलब ये है अच्छी साधना का अर्थ है कि हम अपनी हायर नेचर को स्ट्रांग करते रहें और लोअर नेचर को वीक करते रहे अच्छी साधना का मतलब है कि अच्छे संस्कारों को गहरा करते रहे पुराने गंदे संस्कारों को फीका करते रहे ठीक है ना ये अच्छी साधना मानी जाएगी ना बार बार साधक फिसल रहा है बार बार साधक अपने संस्कारों के सामने गिर रहा है तो उसके संस्कार और गहरे होते जाएंगे और आदेशों का पालन करना और मुश्किल होता जाएगा तो स्ट्रांग साधना का मतलब क्या है कि अच्छे संस्कारों को बढ़ाना है हायर नेचर को बढ़ाना है लोअर नेचर को कम करना है हमारा संस्कार है बाद बार गुस्सा आ जाता है अब साधना भक्ति अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो बार बार गुस्सा आना कम होते जाना चाहिए और भक्तों के व्यवहार अच्छा होते जाना चाहिए हमारा संस्कार है कि जो बस हम कोई हमारी कुछ कमजोरियां हैं जैसी वो कमज़ोरी दिखाई देती है हम फिसल जाते हैं है ना अच्छी साधना क्या था कि पहले दस में से दस बार ही फिसलते थे तो आप आठ बारी फिस लें, फिर सात बारी फिर छह बारी फिर चार बारी ऐसे आगे बढ़ें तो ये अच्छी साधना का परिणाम है तो हम कितनी मात्रा में अपने अच्छे संस्कारों को गहरा कर पाएंगे कितनी मात्रा में अपने बुरे संस्कारों को फीका कर पाएंगे ये सारा निर्भर करता है हमारी श्रद्धा के ऊपर है ना उस श्रद्धा की क्वालिटी क्या है देखिए भगवदगीता में भगवान कहते हैं श्रद्धा महान पुरुष हो हर जीव के पास श्रद्धा तो है ही है और हम किसी ना किसी चीज़ में तो श्रद्धा रखते ही हैं बिना श्रद्धा के कोई अस्तित्व ही नहीं है।, है ना हम लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं ऐसे ही और भैया के ट्रेन में आराम से सो जाते हैं हम से कितने लोगों ने जा ट्रेन के ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया है कितने ट्रेन हो भैया तुम ट्रेन चलाने के लिए पहुँचा दोगे नहीं पहुँचा दोगे वो जो फिटर है जिसने ठीक चेक किया कि नहीं किया मेरी जान की पड़ी है मैं रातों कुछ हो गया गाड़ी ट्रैक से नीचे आ गई तो क्या होगा हम तो आराम से सो जाते हैं फर्स्ट क्लास <laughs> पूरा श्रद्धा उस पर पूरी फेत है हमारे यहाँ पे एक भक्त है वो मेट्रो में काम करते हैं है ना और दीक्षा ली उन्होंने काफ़ी समय के बाद मैंने मैंने प्रभु जब अब सही चल रहा है कहता हाँ मैं कब करते हो तो मेट्रो में गाड़ी मेट्रो चलाते हैं कहते हो मेट्रो ड्राइव करते हो करता हूँ जब मैं उछल पड़ा है मैं सारे लोग तुम पर निर्भर हो तो मेट्रो चलाते हो जब कर रहे हो और जब करते हो तो पता नहीं हम समाधि में चले ही जाते हैं कभी ये हो गया तो क्या होगा क्या होगा वो कहता तो कथा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं मैं सब आप पे श्रद्धा रखे मैं कि जो मेट्रो का ड्राइवर है टाइम से पहुंचा देगा और आप आराम से जब करे फिर आगे से नहीं करूंगा तो हम कितना विश्वास रखते हैं है ना कोई चीज पैक्ड है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट पूरा मान लेते हैं ऐसे में ही हुआ होगा कितना विश्वास है तो श्रद्धा तो हर जगह रखते ही रखते हैं लेकिन जिस श्रद्धा की ये बात हो रही है ये श्रद्धा कोई साधारण श्रद्धा नहीं है ये दिव्य श्रद्धा है ये बहुत रेयर है तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने हम वैष्णव ठाकुर से कृपा मांग रहे हैं तुम्हें कृपा कर बोंद दे दो ये ट्रांसजेंडल वर्ल्ड से आई है दिव्य जगत से आई है ये जो श्रद्धा है प्रेम का एक कण है प्रेम का बीज है ये अगर हमने सही ढंग से रिसीव कर लिया तो बहुत जल्दी से पौधा पनपेगा और जल्दी हम भक्ति को प्राप्त कर प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेंगे है ना तो इस श्रद्धा को समझना ये साधारण श्रद्धा नहीं है श्रद्धा तो हम सबके अंदर है लेकिन ये जो बात श्रद्धा हो रही है ये दिव्य श्रद्धा की बात हो रही है भगवान उद्धव को बता रहे गीता के ग्यारहवें स्कंद में सात्व की अध्यात्म की श्रद्धा कर्म श्रद्धा राजसी तामसी अधर्मे या श्रद्धा मत सेवायम तू निर्गुणा है ना पढ़िए प्लीज बड़ोबड़ फेथ डायरेक्टेड टुअर्ड स्पिरिचुअल लाइफ इज इन द मोड ऑफ गुडनेस फेथ रूटेड इन द फ्यूटिव वर्क इज इन द मोड ऑफ पैशन फेथ रिसाइडिंग इन इन एक्टिविटीज इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस बट फेथ इन माय डिवोशनल सर्विस इज प्योरली ट्रांसेंडेंटल सात्विकी की अध्यात्म की श्रद्धा सात्विक श्रद्धा आध्यात्मिकता में है अक्सर लोग अध्यात्मा मीन्स कुछ अध्यात्मिक कार्य उनकी श्रद्धा ये सात्विक श्रद्धा है अच्छा लगता है कोई आध्यात्मिक कार्य करना तो ये सात्विक श्रद्धा है और राजसी श्रद्धा क्या है अपने कर्म पे खूब कर्म करूंगा उसका फल भोगूंगा ये श्रद्धा है तामसी अधर्म यह श्रद्धा तामसी श्रद्धा क्या है अधर्म का ही पालन करना है मदिरा पान नशा यही इसी में मेरी श्रद्धा है तंत्र करना भूत पिशाचों के पास जाना यही मेरी श्रद्धा है मत सेवा तो निर्गुण लेकिन जिसकी श्रद्धा मेरी सेवा में है वो निर्गुण श्रद्धा है इस श्रद्धा की बात कर रहे हैं है ना जो भगवान की सेवा में श्रद्धा है तो श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा का बेसिक अर्थ ये है कि हमारा विश्वास कि हमें कहाँ आनंद मिलेगा बस सीधी बात है जहां हमें लगता है कि हमें आनंद मिलेगा हम वहीं श्रद्धा रखते हैं आनंद में अभ्यासात जीव का हर कार्य आनंद की खोज में है हर कार्य हम आनंद की खोज में करते हैं हम यहाँ प्रभुपा जी के आंदोलन में अक्सर सारे लोग किस लिए आए आनंद की खोज में ही आए संसार के आनंद से उभ गए कोई कुछ और आनंद चाहिए कुछ आनंद नहीं आ रहा संसार में तो यहाँ आए आनंद की खोज में ही आए तो यहाँ श्रद्धा बनी यहाँ कुछ आनंद मिला तो श्रद्धा बन गई और आनंद बढ़ेगा तो और श्रद्धा बढ़ जाएगी ठीक है ना यही तो है तो जहाँ हमें खुशी मिलती है वहाँ हमारी श्रद्धा हो जाती है तो जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी आध्यात्मिक में कुछ आनंद मिलता है तो उसमें हो गया राजसी लोगों को अपना कर्म करके मेहनत करके कर्म के फल भोगने में लगता है इसमें खुशी मिलेगी तो उसमें उनकी श्रद्धा है तामसी लोगों को बोलता है उल्टे सीधे कार्य करके धर्म का पालन करके खुश रहेंगे लेकिन जो भक्ति वाली श्रद्धा है निर्गुण श्रद्धा है वो उनको पूरा विश्वास है भगवान की सेवा करके ही मैं असली आनंद प्राप्त कर सकता हूं तो ये श्रद्धा है श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहीं ले सर्व कृत है पेड़ की जड़ में पानी डाल लूंगा तो सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी पेट में भोजन डालूंगा सारे अंगों का पोषण हो जाएगा इसीलिए अगर मैं कृष्ण किसी ढंग से प्रसन्न कर दूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा इसमें दृढ़ विश्वास ये श्रद्धा है हम सबको आनंद चाहिए लेकिन ये पूरा विश्वास हो गया मैं आनंद तभी प्राप्त कर पाऊंगा जब मैं कृष्ण को आनंद दूंगा बाकी और संसार में जो आनंद है वो आनंद नहीं है जितनी मात्रा में ये कन्विक्शन है उतनी मात्रा में हमारी श्रद्धा की क्वालिटी है उतनी मात्रा में भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे ठीक है क्लियर है तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ इसके बाद जीव गोस्वामी जी अपने संदर्भों में और पतंजलि सूत्रों को कोट करते विष्णुचंद ठाकुर जी श्रद्धा को बहुत विस्तार में समझाते हैं एकदम हमारे जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं बोलते हैं श्रद्धा दो शब्दों से आता है श्रद्ध का मतलब सत धातु से है सत का मतलब हमारा अस्तित्व हमारा एग्जिस्टेंस धा मतलब टू होल्ड मतलब श्रद्धा मतलब दैट विच होल्ड्स आवर एग्जिस्टेंस जिसके कारण हमारा अस्तित्व है जहां जिसकी श्रद्धा है वैसे ही उसका अस्तित्व है है ना श्रद्धा पूरे हमारे जीवन को डिफाइन करती है हमारे पूरे लाइफ को मोल्ड करती है हमारा एग्जिस्टेंस क्या है हमारी श्रद्धा है ना दूसरा बताते हैं श्रद्ध सत धातु से आते हैं ट्रुथ मतलब होल्ड यानी कि हमारी कितनी क्षमता है कि हम सत्य को संभाल के रखें सत्य के अनुसार जीवन जिए वो श्रद्धा है ना सत्य हमें मालूम चलता है शास्त्रों के अनुसार तो कितनी हमारी श्रद्धा है कितना हम शास्त्रों की बातों में विश्वास करते हैं शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं वो हमारी श्रद्धा दिखाती है बोलता है का हृद भी है हिद। और धा मतलब देना जहां अपना हृदय देते हैं यहां थोड़ा नीचे ट्रांसलेशन ठीक नहीं हुआ श्रद्धा मतलब कहां अपना हृदय इन्वेस्ट करते हैं न? जहां आश्रय लेते हैं जहां श्रद्धा होती वहीं अपना हृदय देते हैं है ना जिन लोग जिस संस्था में श्रद्धा वहां अपना हृदय देते हैं जिनकी यहां श्रद्धा वो यहां हृदय देंगे तो जहां मेरी श्रद्धा है वहीं मैं अपना हृदय दूंगा ओके आगे बता रहे हैं जीव गोस्वामी जी श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास शास्त्रों के अर्थ में पूरा विश्वास अटूट विश्वास शास्त्रों के तात्पर्य में अटूट विश्वास यही श्रद्धा है और शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है भक्ति कृष्ण भक्ति सर्वधर्मान परित्याजगत मामेकम शरण जग एक बार रामानुचार्य जी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव बताइए सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है तो सभी शास्त्रों का निचोड़ है शरणागति और शास्त्रार्थ विश्वास यानी कि जी गोस्वामी जी कह रहे हैं श्रद्धा और शरणागति में कोई अंतर नहीं है सेव, श्रद्धा इस शरणागति दूसरा हम देख सकते हैं शास्त्रार्थ विश्वास श्रद्धा मतलब संबंध ज्ञान क्लियर है एक तो कि मैं कृष्ण का दास हूं बस खत्म ये क्लियर है जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तारा दुख नहीं तारा दुख खत्म तो, ये पूरा विश्वास ये श्रद्धा है यही शरणागति है और फिर थोड़ा और विस्तार में बताते हैं कि श्रद्धा का एक करैक्टरिस्टिक्स क्या है कैसे पहचानेंगे हमारे अंदर श्रद्धा है या नहीं और बताने खुलासा कर रहे हैं कंप्लीट फेथ जैसे मैंने बताया शास्त्रों के निष्कर्ष पे पूरी श्रद्धा यानी कि शरणागति पहला तो लक्षण ये दूसरा लक्षण फिर ये शास्त्रों के अनुसार अपना व्यवहार करना डिजायर टू एक्ट जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार अपना व्यवहार करना इसकी इच्छा होना कई बार हम सुनते हैं और सुन के बोलते हैं सुन तो लो यार प्रैक्टिकल नहीं है ठीक है बिल्कुल ठीक बात है सुन लिया है। फिर बाद में जाके बोलते हैं प्रैक्टिकल होना चाहिए कुछ ना तो जो प्रैक्टिकल है वो करो जो ठीक है तो शास्त्रों के बात में मान लीजिए थी, शास्त्र ठीक है लेकिन इच्छा नहीं उत्पन्न हो रही शास्त्रों के अनुसार जीवन चलाने की तो इसमें जी गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो शास्त्र हैं वो बिल्कुल जैसे एक वैद्य के पास हम जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं नाड़ी पकड़ के पूरा डायग्नोज कर देता है है ना आपका अनुभव है किसी ऐसे वैद्य के पास जाने का नाड़ी पकड़ी और पूरा डायग्नोज कर दिया तो फिर उसे बड़ा विश्वास पड़ गया तो सब कुछ जान गया है ना हमारे यहाँ पर एक वैद्य गए हमारे भक्त उन्हें कल पनीर खाया था उन्हें आपको <laughs> कैसे मालूम चल गया पनीर मना किया कल फिर पनीर खा लिया आपने अरे आप पता कर लिया आपने पनीर पड़ा हुआ है पेट में पड़ा हुआ है अभी पकड़ लिया तो पूरा डायग्नोज करके जो वो औषधि देता है तो फिर जो मरीज़ की है पूरी श्रद्धा हो जाती है उस औषधि को खाने में कि मेरा पूरा डायग्नोसिस हो गया है ये मैं दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा इसी तरह तो से शास्त्रों को पढ़ते हैं सुनते हैं तो लग, अपना डायग्नोसिस होना चाहिए अरे भाई अच्छा ये बीमारी है मेरे अंदर और इसका निवारण ऐसे होगा पूरी श्रद्धा फिर मुझे अब ऐसा कार्य कर रहे हो हो उन्होंने मना किया चाय नहीं पीनी ये नहीं खाना तली हुई चीजें नहीं खानी नहीं खाऊंगा भैया बिल्कुल श्रद्धा पूरी हाँ हाँ ये कार्य नहीं करने ये करने हैं तो पूरा करूंगा तो फिर वो इच्छा प्रकट होती है कि शास्त्रों के निर्देशों को बड़े आदर पूर्वक पालन करना ये इच्छा प्रकट होना और पूरी आशा रहना कि सफलता मिलेगी मिलेगी हम शास्त्रों के आदेशों में पालन भी कर रहे हैं लेकिन सफलता ही नहीं मिल रही प्रभु जी हृदय बदल ही नहीं रहा हाँ पूरी आशा रखी है आशावान होना कि सफलता जरूर मिलेगी और इससे कम में संतुष्ट नहीं होना है ना दस दागुता मृत में गोप कुमार दृढ़ विश्वास था जाना तो गोलोक वृंदावन नहीं है कृष्ण को ही पाना है पूरे हरेक लोकों में यात्रा की उन्होंने इंद्र लोग गए शिव जी के में है ब्रह्मा जी के लोग गए महालोक तपोलोक जैन सत्यलोक वो उसके ऊपर गए वैकुंठ में गए द्वारका में गए अयोध्या में गए हर जगह सेवा करी अच्छा लगा लेकिन जची नहीं कुछ कुछ फिट नहीं हो रहा जब तक गोलोक वृंदावन ने बोके कृष्ण से आलिंगन नहीं किया संतुष्टि नहीं हुई तो श्रद्धा है गिव अप नहीं किया अपने गुरु की वाणी में गुरु के मंत्र में पूरी श्रद्धा नॉट टू बी सेटिस्फाइड समथिंग लेस पूरा प्राप्त करेंगे पूरी उम्मीद पूरी आशा जरूर मिलेगा ये श्रद्धा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है अब पतांजलि योग सूत्र में भी इसके विषय में बताया गया है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञ है ना वीर्य क्या है वीर मतलब श्रद्धा हमें वीर प्रदान करती है वीर मतलब पावर बहुत उत्साह श्रद्धा जिसमें जितनी ऐसी श्रद्धा होगी जो हमने चर्चा की है उसमें उसमें शक्ति होगी भजन क्रिया करने की है ना हम देखते हैं जब भक्तों के संग में आते ऐसी ऐसी श्रद्धा होती है चमत्कार कर रहते हैं लोग हमें विश्वास ही नहीं होता कई बार आप गोवर्धन परिकाओं में निकलते हैं तो कई माता लोग होते हैं वृद्ध होती हैं वो घुटनों में तकलीफ है ये भी है कहते हैं पता ही है नहीं चला जी कैसे हो गई है ना भक्तों के संग में श्रद्धा थी तो हो गया शक्ति मिलती है ना शिला प्रभुपाद जी की अपने गुरु की वाणी में इतनी पक्की श्रद्धा सत्तर वर्ष की आयु में इतना बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने ना श्रद्धा होती है तो साहस आता है ना? कुछ भी कर सकता है व्यक्ति बहुत ही जगह में बाहर में कहा जाता है एक, एक बड़ा मोटिवेशनल कोट है फेथ कैन मूव द माउंटेन्स वो तो ऐसे वो कहते हैं आप विश्वास रखो आप पर्वत को हिला सकते हो लेकिन किसने विश्वास रखना है भगवान और भक्तों की कृपा पे अगर ऐसा विश्वास है तो कुछ भी कर सकते हैं है ना रूपा जी ने करके दिखाया ऐसे चमत्कार कर सकते हैं तो अगर हमारे में श्रद्धा होगी तो बहुत शक्ति की प्राप्ति होगी हम घबराएंगे नहीं डरेंगे नहीं एक वीर मिलेगा श्रद्धा स्मृति क्लैरिटी ऑफ माइंड कोई संशय नहीं क्लेटी सारे डाउट्स खत्म तो ये निष्ठा की स्टेज को दिखाता है सारे डाउट्स खत्म हो गए ना और प्रभुपाद जी का को कोई संशय नहीं था चैतन्य महाप्रभु की वाणी है पृथ्वी से आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम पृथ्वी के नगर ग्राम गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा प्रभुपाद से पहले उनके गुरु भाई सोच रहे हैं पृथ्वी का मतलब बंगाल है भारत भूमि है क्या है कन्फ्यूजन है प्रभा है क्यों भगवान ने बोला पृथ्वी तो मतलब पृथ्वी कोई क्लैरिटी ऑफ माइंड ये कन्विक्शन था तभी तो प्रभुपाद इतना बड़ा रिस्क लिया अगर इसी में ही डाउट होता पृथ्वी मतलब भारत ही होगा यार कहाँ हो अभी तक तो 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 हो ना ही होता 500 सौ साल बीत गए पूरा विश्वास था होगा तो क्लैरिटी ऑफ माइंड कोई संशय नहीं समाधि स्टेज जो दिखाते हैं वो भाव और प्रज्ञा की स्टेज है प्रेम ओके उसके बाद वो बताते हैं पतंजलि स्त्रोत में श्रद्धा चेतसा संप्रसादा सा ही जनानेव कल्याणी नाम पति चेतसा संप्रसदा यानी कि श्रद्धा का मतलब है एप्सोल्यूट हैप्पीनेस ऑफ द हार्ट हृदय प्रसन्न है भगवान में विश्वास है पूरी श्रद्धा है तो हृदय प्रसन्न है।, है ना एक बात हाँ प्रभुपाद जी सेवेंटी तो फाइव सेवेंटी सिक्स की बात है अमेरिका में बहुत से ऐसे मोमेंट हो गए कोर्ट केसेस हो गए कि हरे कृष्णा आंदोलन बोनाफाइड नहीं है ये ब्रेन वॉश कर रहा है कोर्ट केसेस यहाँ चल रहे हैं भारत में वृंदावन मायापुर बॉम्बे मंदिर में समस्याएं चल रही हैं यहाँ से बुरी खबर वहाँ से बुरी खबर चारों तरफ से एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं सबको हैंडल कर रहे हैं अचानक रोकबाद अपने कमरे में जाते हैं और विश्राम करते हैं और बाद में किसी भक्त ने देखा तो प्रभुपत जोर जोर से हंस रहे हैं तो हंस रहे आराम से प्रभात कह रहे हैं वाह भगवान क्या है कि बाद एक समस्या भेज रहे हो ना प्रभात को आनंद आ रहे हंस है, रहे हैं प्रभुपात है ना वहाँ डील करेंगे अकेले में प्रभत खुश है बड़े आनंद में तो प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में उसको डील भी करेंगे लेकिन हृदय बिल्कुल प्रसन्न अवस्था में आज सुबह हम बता रहे थे प्रभुत इतने कष्ट में थे वृद्ध अवस्था में फिर प्रभुपात जोक्स क्रैक कर रहे हैं कोई नहीं डॉक्टर आया डॉक्टर से पूछे डॉक्टर हॉवर यू डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए यार मेरे से पूछ रहे हॉवर यू है हैप्पीनेस ऑफ द हार्ट कोई संशय नहीं है कि कृष्ण मेरे साथ कोई बुरा थोड़ी करेंगे कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं पूरा विश्वास है एक बार हमें पूरा विश्वास हो जाए कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं मैं तो जिस भी स्थिति में हूँ कृष्ण मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं आनंद ही आनंद है तो ये श्रद्धा है एप्सल्यूट हैप्पीनेस ऑफ द हार्ट ओके ये हाँ पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि ये पूरे हृदय से संशय का निवारण हो जाता है तो जीव गोस्वामी जी बताते हैं पांच प्रकार के संशयों से हम घिरे हुए हैं है ना पहला संशय है शास्त्रों में ही संशय है ना विशेषकर हम जब भागवतम का पांचवा स्कंद खोलते हैं पूरे भूगोल का वर्णन है सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ <laughs> गन्ने के जूस का सागर है दूध का सागर मदिरा का सागर ये क्या है <laughs> कहाँ है ये <इसा>? सब <laughs> दिखाई तो दे नहीं रहा ऐसा कैसे हो सकता है प्रभुत जी के एक शिष्य थे पुरुषोत्तम प्रभु प्रभात की मसाज कर रहे थे और प्रभुपात टी देख रहे सामने वो टी में दिखाया मून लैंडिंग हो रहा है मनुष्य पृथ्वी चाँद पे पहुंच रहा है पवपात मेरा बिल्कुल संभव नहीं है शास्त्रों के अनुसार नहीं है पुरुषोत्तम प्रभु ने सोचा ये बूढ़े से हैं गुरुजी पिछड़े देश से आए हैं इनको क्या पता है, अमेरिका ने कितनी तरक्की कर ली है आदमी मुंह पे पहुंच गया ये मान नहीं रहे तो वो इस्कॉन छोड़ के चले गए शास्त्रों पे विश्वास नहीं बाद में हम जानते हैं कि नासा ने कितने एविडेंस दिए कि मनुष्य मुंह पर नहीं पहुँच पाया तो हम शास्त्र पढ़ते हैं शास्त्र में विश्वास नहीं होता द्वारका में भगवान की सोलह हजार एक सौ आठ रानियाँ अरे बाप सोलह हजार एक सौ आठ बहु कुछ तो कम कर दो <laughs> उसके बाद उनके परिवार का सदस्य बताए परिवार के सदस्य की संख्या अरबों में अरब एक पूरे अरबों में संख्या और पता नहीं कितने अध्यापक आते लाखों में उनके अध्यापक आते हैं क्या है तो, तो है, इतना थोड़ी है इतना थोड़ी है। तो पूरी माइथोलॉजी लगती है नहीं शास्त्रों की बात में पूरा विश्वास तो भगवान की बात में दूसरी तरह का डाउट होता है डाउट इन द गोल हम आए पहला दिन ही हमें बता दिया जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम हमें हाथ खड़ा कर दिया ठीक है जी बता दिया तो मान लेते हैं याद नहीं अकेले में होते हैं यार ठीक है ठीक कर रहा हूँ मैं पागल तो नहीं बना दिया उन्होंने मुझे बोला धाम हम कहाँ हैं देखा किसी ने कृष्ण मिलेंगे वहाँ पे ये होगा वो होगा हैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ सब कुछ छोड़ के आ गया यहाँ पे सब कुछ मैंने ये कर दिया तो कई बार जब परेशान होते हैं तो लक्ष्य में ही डाउट होना शुरू हो जाता है है ना आई मई ऑम द राइट पाथ या ऐसा है या कुछ और भी हो सकता है तीसरा आता है डाउट इन द प्रोसेस शास्त्रों में विश्वास हो गया गोल में विश्वास हो गया प्रोपा जी ने बोला सोलह माला जब चार नियम का पालन मैं आपको भगवत धाम दे जाऊँगा इतना आसान ऐसे कैसे हो सकता है शनि को शांत करने के लिए अमावस्या की काली रात को काले कुत्ते को काली दाल खिलानी पड़ती है इतनी मेहनत करनी पड़ती है ये तो शनि को शांत करने के लिए और भगवत धाम खाली सोना वाला चार नियम करके ऐसे कैसे हो जाएगा संशय उत्पन्न हो जाते हैं लेकिन नहीं, नहीं पूरा प्रोसेस में डाउट नहीं। अब शास्त्रों में भी विश्वास है लक्ष्य में भी विश्वास है प्रोसेस में भी विश्वास है चौथा जो संशय सबसे खतरनाक अपने आप में डाउट है। मैं नहीं कर पाऊंगा ये प्रोसेस मुझ पे काम नहीं करेगा आप नहीं जानते मैं कौन हूँ <laughs> मैं बहुत एक विशेष जीव हूँ मुझसे कुछ भी काम नहीं करता मुझे कोई नहीं सुधार सकता ना है ना ये बहुत बड़ा संशय है है ना ये बहुत लोगों को होता है कि बहुत कुछ प्रयास कलियर पहुँचे इतने साल हो गए कुछ बदला नहीं मैं तो मुझे पूरा विश्वास है मैं कभी नहीं बदलूंगा <laughs> मैं ऐसा ही रहूंगा तो मैं मेरा कुछ नहीं हो सकता जिसके अंदर ये संशय आ गया ना वो संशयात्मा विनश्य थी मलदेव हम जो श्लोक में बताने भगवदगीता के ना कि ये जो है अज्ञ अशाना च संशयात्मा तीन कैटेगरीज बनाए हैं अज्ञ वो है जिसको ना ज्ञान है ना श्रद्धा है अश्धाना वो है जिसको ज्ञान तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है संशयात्मा है जिसको ज्ञान भी है श्रद्धा भी है लेकिन ये संशय कि मैं नहीं कर पाऊं ये बड़ा खतरनाक है आत्मा विनश्यति उसका विनाश होता है तो ये बहुत बड़ा खतरा है ना जैसे परम पूज ने सचिनंद स्वाई महाराज अपनी पुस्तक लिविंग नेम्स में ने एक उदाहरण देते हैं कि भारत में एक सर्कस थी सर्कस में आग लग गई आग जब लगी तो सारे पशु भाग गए बच गए एक पशु बेचारा मर गया जल गया और वो था उस सर्कस का सबसे शक्तिशाली हाथी बड़े हैरान हुए ये हाथी ने अपना बचाव क्यों नहीं किया और देखा हाथी कैसे बंधा हुआ था बड़ी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था और बड़े पतले से खूंटे से हाथी ने थोड़ा अपना पाँव हिलाना ही था वो फ्री हो जाता लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं बेचारा जल गया फिर और उसका विश्लेषण किया ऐसा क्यों हुआ तो मालूम चला जब जंगल से पहली बारी हाथी को पकड़ा था तो इस हाथी को बड़े पेड़ के साथ बड़ी मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांधा गया था और तब इस हाथी ने बड़ा प्रयास किया था अपने आप को छोड़ाने का बहुत परेशानी से प्रयास करता रहा करता रहा पूरे पाव में उसके जख्म हो गए खून खून हो गया कीड़े पड़ गए बहुत उसको परेशानी हुई तब से उसके मन पे ये छाप पड़ गई मैं कभी चेन नहीं तोड़ सकता इसलिए आग लगी भी पतली सी रस्सी से ही बंधा हुआ था उसको वो पूरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मैं नहीं कर सकता ट्राई नहीं किया एक प्रकार से वो सारा हमारे पर भी वो चेन बंधी हुई है तो बोले मैं नहीं कर सकता संशय तो इससे ऊपर उठना है हमें अपनी अयोग्यता पे ज्यादा विश्वास है गुरु और कृष्ण की कृपा पे कम विश्वास है ना प्रभुपात कहते हैं हमें अपने गुणों पे रजोगुणों तमोगुण में ज्यादा फेत है और जो माया भगवान के अंदर है देवीश गुणमय मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यंते माया मेहताम तरंती थे कृष्ण की शक्ति में कम विश्वास है अपनी प्रकृति के गुणों में ज्यादा विश्वास है तो इसीलिए ये जो भक्तों का संग है हमें ये हमें यही विश्वास दिलाने के लिए नहीं हम चाहे जिस भी स्थिति में क्यों ना हो पहले हमसे जोन सी मर्जी गलतियाँ क्यों ना हुई हों अभी तक हम क्यों ना अच्छे ढंग से पालन ना कर पा रहे हों फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति है प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति है कि इट विल ड्रैग यू टू तो परफेक्शन भक्ति हमें खींच के हमें सिद्ध अवस्था तक ले जाएगी अगर हम बस सिंसियरली प्रयास करते रहेंगे ओके तो इस डाउट डाउट इन द सेल और दूसरा है पांचवा है कि डाउट इन रिकनसैलिंग द कंट्राडिक्शंस जब तो हम शास्त्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बहुत से विरोधाभास सुनाई देते हैं कई बार उपनिषदों में ऐसी वाणी यूज की जाती है कि भगवान चल भी सकते हैं नहीं भी चलते भगवान के कोई पैर नहीं है भगवान का कोई हाथ नहीं है ऐसा भी वर्णन आता है और कहीं जगह भगवान को साकार बताया गया है हां? तो विरोधाभास है इसका हम समन्वय नहीं कर पाते तो संशय उत्पन्न होते हैं ओके तो ये पांच संशय से सबसे निवारण हो जाएगा अगर हमें श्रद्धा की एक बूंद मिल जाए इस निर्गुण श्रद्धा की एक बूंद मिल जाए ओके तो अब ये श्रद्धा कैसे विकसित होती है निर्गुण श्रद्धा कैसे हम प्राप्त करते हैं तो बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है इस श्रद्धा की जो शुरुआत होती है भक्तों के लिए पहले एक आदर की भावना उत्पन्न होती है ना? या भक्तों को हम देखते हैं या मिलते हैं तो हमें लगता है इनके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है ना एक रिस्पेक्ट प्रभु हम सबके साथ ये हुआ हम देखिए शिला प्रभुपाद जी को पहली बार जब उनके मित्र भक्ति स्नान सिंह सरवस्वती ठाकुर जी से मिलवाने ले गए प्रभुपा ने बोला मैं जानता हूँ सब साधुओं को ऐसे ही होते हैं सब ढोंगी होते हैं प्रभुपात का ये था इम्प्रेशन बोला ये अलग साधु हैं चलो दस और जब उनसे मिले और उनसे वार्तालाप हुई और भक्ति स्नामस ठाकुर मैंने उनको आदेश दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में सब जगह प्रचार कीजिए तो प्रभुपात को पहली बार लगा कि आई एम डिफीटेड किसी ने मुझे हराया ये है ये व्यक्ति स्पेशल है कोई, तो श्रद्धा उत्पन्न हुई रिस्पेक्ट तो श्रद्धा एक रिस्पेक्ट से उत्पन्न होती है ना उनके सेल्फनेसनेस को दे के उनका व्यवहार देख कर तो लगता है हाँ मुझे भी ऐसा बनना चाहिए जो इनके पास है मुझे वो चाहिए तो एक रिस्पेक्ट उत्पन्न होती है और ये जो रिस्पेक्ट है ये रिस्पेक्ट जब हम और उनके व्यवहार को देखते हैं तो एक ट्रस्ट में बदलती है विश्वास में बदलती है कि वास्तव में ये बहुत तपस्वी हैं ये बहुत जानते हैं ये बहुत इनका हृदय शुद्ध है तो एक विश्वास उत्पन्न होता है ट्रस्ट उत्पन्न होता है और फिर उनसे सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है उनसे सुने क्या कहना चाहते हैं और फिर सुनने के बाद फिर हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है क्या श्रद्धा उत्पन्न होती है कि मैंने अब इनको प्रसन्न करना है जिन जो व्यक्ति हमें हमें लगता है कि इनके पास कुछ विशेष है इनसे हमें कुछ प्राप्त हुआ है और उससे हम सुनते भी हैं तो हमारे हृदय में ये भाव उत्पन्न होता है कि हम कैसे इनको प्रसन्न कर सकते हैं वो श्रद्धा है अगर हम सुन रहे हैं और ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हो रहा कि इनको क्या प्रसन्न ठीक है सुन लिया ठीक है तो उसके अलावा वो श्रद्धा भी अभी हृदय में स्थानांतरित नहीं हुई वो ट्रस्ट रिस्पेक्ट इतनी नहीं थी जिससे हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली और श्रद्धा के साथ सुनते हैं ट्रस्ट करते हैं तो फिर उनकी सेवा करने की भी इच्छा होगी तो हमारी श्रद्धा और आगे बढ़ेगी तो ये इस श्रद्धा इसलिए बोला जाता है कि श्रद्धा प्रेम का बीज है और इस श्रद्धा का बीज है स्वार्थ रहित होना है नाम देखते हैं इन भक्तों को ये स्वार्थ रहित हैं तो मुझे भी स्वार्थ रहित जब तक हमारे अंदर सेल्फिशनेस रहेगी तो निर्गुण श्रद्धा हम प्राप्त नहीं कर पाते तो स्वार्थ रहित दबाते हैं सेल्फलेस होना है मुझे मुझे भी सेवा करनी है अभी तक हमारे हृदय में ये छाप है ये संस्कार है कि मैं भोग करूंगा तो खुश रहूंगा है ना ये संस्कार छिपे हुए हैं और इसीलिए हम इस जन्म में मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं या भक्तों के संग में आते हैं उनसे श्रद्धा का बिंदु मिलता है तो ये संस्कार जाता है नहीं मैं भक्तों को और भगवान को प्रसन्न करूँगा तो आनंद पाऊंगा तो इस सेल्फनेस जो श्रद्धा का रूट है और जो श्रद्धा है वो प्रेम का बीज है और इस प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं ओके। अगर श्रद्धा सही विकसित हो गई या हमें श्रद्धा का बोध भी मिल गया तो हम अपराधों से निश्चित रूप से बचेंगे है ना कि शास्त्रों का निचोड़ है विशेषकर वैष्णव अपराध नाम अपराध से बचेंगे जिसकी जितनी मात्रा में श्रद्धा विकसित है उतनी मात्रा में वो अपराध नहीं करेगा और जितनी मात्रा में हम अपराध करते हैं उतनी, है, उतनी मात्रा में हमारी श्रद्धा कम होती जाती है बोले इतने साल हो गए ये अगर आप एनालिसिस करेंगे हम पूरा ना माने तो हमें से कई भक्तों को लगेगा यार ये तो है नहीं अभी तक जो श्रद्धा के करेक्टरिस्टिक्स बताए गए ये कन्विक्शन कि कृष्ण और भक्तों को प्रसन्न करके ही मैं प्रसन्न रह सकता हूँ मेरे मैंने सोचा मेरे में तो आया नहीं अभी तक तो क्या है क्यों जब हम भक्ति करते हैं साथ साथ अपराध होते हैं तो अपराध का एक प्रभाव है फेथलेसनेस श्रद्धा कमज़ोर होती जाती है प्रोसेस में है सब कुछ कर रहे हैं अरे चलता है यार ये बहुत सुना है, है बहुत साल हो गए चलते हैं होता है सर कहीं आए कहीं चले गए बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं है ना तो ये फेथलेसनेस क्यों ये अपराधों का प्रभाव है लेकिन इसकी सही श्रद्धा है श्रद्धा हमें अपराधों से बचाती है राइट तो ये कुछ श्रद्धा पे था इस पर और आगे चर्चा करेंगे आज यहीं भी देते हैं अगर आपको कोई प्रश्न उत्तर है ये बहुत गहरा वो है आई हमें हम आगे बढ़ सकते हैं हमें मेरे ख्याल से आजकल एक डोज काफ़ी है तो इस पर हम थोड़ा मनन करें है ना तो क्या समझ में आया किसी को या कुछ टिप्पणी है कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं दस पंद्रह मिनट है हमारे पास हाँ प्रभु जी हाँ कृष्ण हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हमें कई सारी सेवाएं मिलती हैं स्कॉन में हमें ये सेवा करनी है प्रीचिंग करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है या दूसरी हमें लोगों से डील करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी हम डील करते हैं तो कभी कभी हमें रिस्पॉन्स सही नहीं मिल पाता सामने वाले से या हमें अपेक्षा के अनुसार सही नहीं मिलता तो अभी आपने कहा कि हमें अपने मतलब जो हमारी आ, ड्रॉबैक्स होती है उस पर हमें हमारी जो ड्रॉबैक्स होती हैं हमें उस पर ज़्यादा भरोसा होता है बजाय गुरु व कृष्ण की कृपा के और उस वजह से हम क्या क्या करते हैं कि हम कभी कभी आ, मतलब डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि भाई इससे रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो साम हो सकता है आगे वाले से सही ना मिले तो उससे हमारी सर्विस अफेक्टेड होती है आगे चल के कि कॉन्स्टेंट नहीं रह पाते हम कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते तो प्रभु जी इस चीज़ को कैसे हम कह सकते हैं कैसे हम इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें कि हम गुरु की गुरु और कृष्णा की जो मर्सी है वो हमारे खुद के मतलब झूठे फॉल्स कन्विक्शन से बड़ी है हम जो कन्विक्शन हमारा रहता है कि हम नहीं कर सकते हमारे ड्रॉबैक्स हैं हम हम स्पेशल है जैसे आपने कहा हम नहीं कर सकते तो उससे हम कैसे बड़ा बना सकते हैं अपने श्रद्धा को गुरु और कृष्ण करके आ, जो भी हो रहा है वो भगवान की और गुरु की श्रद्धा उनकी इच्छा से ही हो रहा है तो ये श्रद्धा का, का विकास कैसे होता है आप सब बताइए श्रद्धा हमें कहाँ से प्राप्त हुई भक्तों से है ना तो जितना अच्छे ढंग से हम भक्तों का संग करेंगे सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा सत तो जोशनादाश नादास उपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा भक्ति अनुक्रमश्यति जब सताम भक्तों का हम अच्छे ढंग से संग करेंगे उनके संग में हरिकथा का श्रवण करेंगे तो क्या होगा रति भक्ति अनुक्रमश्यति क्रमशः हमारी श्रद्धा में विकास होता जाएगा है ना तो प्रोसेस है भक्तों का संग तो भक्तों के संग करने के लिए भक्तों के लिए हृदय में आदर की भावना होना है भक्तों का संग करें लेकिन भक्तों लिए आदर की भावना नहीं है तो फिर प्रोसेस नाकाम नहीं करता आदर की भावना रखते हुए करें तो सारा धीरे धीरे और श्रद्धा में विकास होगा तो और कोई कर? हरे कृष्ण जी धन्यवाद थैंक यू वेरी मच जी शिव जी श्रद्धा जैसे सत्व रजस तमस भी होती है तो और श्रद्धा भगवान ही देते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर में किसी भी प्रकार की श्रद्धा होती है तो जैसे तामसिक श्रद्धा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ तो लोगों का बड़ा कई बार डिस्ट्रक्टिव फेस में बहुत स्ट्रांग श्रद्धा होती है जो विनाशकारी होती है उनके लिए भी अन्यों के लिए भी तो ये ये इतनी विपरीत श्रद्धा कैसे डेवलप हो जाती है ये श्रद्धा कैसे डेवलप होती है हाँ ये मतलब इतना हाँ इतनी डिस्ट्रक्टिव है कि उनके लिए भी डिस्ट्रक्टिव अन्यों के लिए भी डिस्ट्रक्टिव है तो ऐसी स्ट्रांग श्रद्धा उनके गलत डायरेक्शन में कैसे डेवलप हो जाती है तमोगुण, ना, वो जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं जो हमारे कर्म हैं जिस प्रकार का संग है तमोगुण, तो भगवान कहते हैं जिसका जिस गुण का प्रभाव हमारे हृदय में होगा उसी प्रकार की श्रद्धा होगी ना न अध्याय में भगवान बता रहे हैं तो इसीलिए तो जैसे हमारा पूर्व जन्मों में संग्रह किसी का हमेशा वो तमोगुण में रहा है तो उसकी श्रद्धा अधर्म में ज्यादा है, तो है। जिसे का आता। आ, था वो आ, आ, अपने बॉडी पार्ट्स काट काट करके डाल रहा था वर्तमान युग में भी है फिर लोग इतने तांत्रिकों के पास जाते हैं किसी का नुकसान करने के लिए जादू टूणा करते हैं पूरी श्रद्धा है उसमें तो वो तमोगुण के लोग की श्रद्धा है Yes, निर्गुण श्रद्धा है मत सेवया भगवान कहते हैं जिनकी मेरी सेवा में श्रद्धा है वो निर्गुण शब्द है बेसिकली हम श्रद्धा की क्या चर्चा कर रहे थे जिस जीव को ऐसा लगता है कि मुझे कहाँ आनंद मिलेगा वहां उसकी श्रद्धा होती है है ना तो हमारा ये कन्विक्शन है कृष्ण की सेवा में ही आनंद है तो वो निर्गुण शब्द है आना? और कुछ जो निर्गुण है वह शुद्ध सत्व गुण है इसमें कुछ डिफरेंट है या सेम है क्योंकि निर्गुण मतलब जिसमें कुछ गुण ही नहीं है पर शुद्ध सत्व गुण मतलब जो सत्व गुण जो परफेक्ट हो गया है शुद्ध हो गया है तो इसको हम कैसे समझे क्योंकि कहीं निर्गुण भगवान को बताया जाता है कहीं जो है सत्व सत्वगुण शुद्ध तो सत्व गुण बताया जाता है तो इसको कैसे समझे हाँ तो निर्गुण मतलब तीनों गुणों से परे और वही स्थिति शुद्ध सत्व की है एक ही बात एक ही बात तो सब ज्यादातर निर्गुण में फोकस करते हैं तो भगवान के निर्गुण है या नहीं है भगवान निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं उनका जो निर्गुण कहने का अर्थ है कि भगवान में कोई गुण नहीं है वो व्यक्ति पर्सनैलिटी नहीं है तो जो सकारवादी दे है, कहते हैं वैष्णव कहते हैं निर्गुण का अर्थ है प्रकृति के तीन गुणों से परे है कोई भौतिक गुण नहीं है अब ये शुद्ध सत्व गुण कैसे आएगा शुद्ध सत्व एक जब हम शुद्ध सत्व की स्थिति है जब हम सचित आनंद इन तीनों शक्तियों को पूरा विकसित कर लेते हैं वो शुद्ध सत्व की स्थिति के है हम आगे पढ़ेंगे भाव की स्थिति में हम आ जाते हैं वो शुद्ध सत्व की स्थिति हम तो अभी तीन... सत्व का मतलब एग्जिस्टेंस तो हमारा एग्जिस्टेंस शुद्ध हो गया प्रकृति के तीन गुणों से परे हो गया प्रकृति के तीन गुणों में है तो हमारा जो सत्व जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो दूषित है जब तक भौतिक प्रकृति में है तो हाँ। भौतिक प्रकृति का प्रभाव तो पड़ेगा कभी सतोगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण तो ये भौतिक प्रकृति में होते हुए हम कैसे अपने आप को शुद्ध सत्व गुण में रख सकते हैं क्या नस... ये अवस्था आ सकता है हाँ ये अवस्था जीवन मुक्त कहलाती है जो भाव की स्थिति है भाव की स्थिति में हम प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त है शुद्ध सत्व की स्थिति भाव स्प्रो थैंक यू वेरी मच प्रभा जी ये पतन भी होता है क्या जैसे जो भाव स्थिति में पहुंचने के बाद शुद्ध सत्व गुण से क्या वो फिर से सत्व गुण गुण में आ सकता है भाव की स्थिति से नहीं होता वो भगवान की इच्छा हो जैसे भरत महाराज के साथ किया भगवान वो आने था नहीं okay, you, प्रभुजी. ने वो एक अलग बात है माने थाने का थैंक यू प्रभाजी हरे कृष्ण प्रभु जी एक ऑनलाइन प्रश्न है ऑनलाइन एक व्यूअर है अरविंदर सिंह वो पूछ रहे हैं कि गुरु में भक्ति और श्रद्धा कैसे बढ़े भक्तों के संग से जैसे हम भक्तों का संग करेंगे बहुत आदरपूर्वक प्रेम से तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी पीछे थैंक यू आपने प्रोजी आपने गीता से वर्ड्स कोट किया था अभी चेत सो दुराचारों वाला उसमें आपने बताया कि कोई दुराचारी व्यक्ति भी है लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में लगा है तो उसको साधु ही मानना चाहिए तो अभी लेकिन एक्चुअली जब ये आपको सेवा दी जाती है कोई आप देखते हैं वो चीज़ की सामने मतलब आपको अथॉरिटी दी है उनको सही करने की तो यही चीज़ को फिर अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम मतलब अभी साधु भी मानना है लेकिन उनको करेक्ट भी करना होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे उसको अप्लाई अप्लाई कैसे करें उस चीज़ को जो हम किसी की अथॉरिटी है उसको करेक्ट करना है वो साधु भी है तो साधु को करेक्ट कैसे करें प्रेम से करेक्टर है <laughs> कल गुंडीचा मार्जिन में हम देखेंगे कि महाप्रभु सब भक्तों के साथ मंदिर साफ कर रहे हैं कुछ भक्त थोड़े ढीले थो थे भगवान ने प्रेम से उनको थोड़ा संत किया थोड़ा डांटा प्रेम से ठीक करो भाई तो करना पड़ता है जो मिशन है उसकी सेवा करनी है तो ये करेक्ट करना भी प्रेम है उनको साथ सेवा में सही ढंग से लगाना प्रेम है प्रॉपर डांटते भी थे कई बार बहुत गुस्से में डांटते थे सभी साधु थे हम डांटते भी थे तो प्रेम है उनको भक्ति में आगे बढ़ाना है करना है लेकिन हम लोग ऐसा कई बार डांटते हैं तो हमारा अंदर अपना रजोगुण होता है हमारे अंदर तो उससे बचना है और करेक्ट करने का भी एक तरीका है उसको सीखना है उसके हिसाब से करना है करेक्शन की आवश्यकता हो तो ज़रूर करनी चाहिए जैसे एक आपने बताया था कि, कि... भक्ति में कोई भी चीज़ है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है उसे वरना क्या होगा कि वो भक्ति फीकी लगेगी आपको हाँ। तो ये अभी हम कर भी लेते हैं भक्ति जो मतलब कोई भी सेवा दी जाती है तो कर लेते हैं उसे लेकिन वो मतलब पता कैसे चलेगा हमें कि हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न हुए या नहीं बहुत हाँ। अच्छा प्रश्न है प्रोपात कहते हैं इसके लिए कोई टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है सेल्फ टेस्ट है जब हम सही ढंग से भक्ति करेंगे तो अलग ही सेटिस्फैक्शन अनुभव होता है किसी ने प्रसाद पाया तो पूछने की आवश्यकता नहीं उसका चेहरा ही अलग होता है <laughs> आप देखिए कोई व्यक्ति संडे फीस्ट है तो जो टाइम से आया कथा सुनी प्रसाद पाया उनका चारा अलग होता है जो बेचारा लेट आया वो परेशान होता है है <laughs> उसका चेहरा अलग होता है, <laughs> yes, है यस प्रभु जी जैसे हम रूटीन में डिवोटीज के साथ सेवाएं करते हैं तो हमारी बहुत फेद बढ़ जाता है कि ये सारे डिवोटीज बहुत अच्छे हैं तो अचानक कि ही किसी दिन किसी डिवोटी के बारे में गलत सुनने को मिलता है तो उसी समय धराशायी हो जाते हैं कि इस डिवोटी के साथ हमें सेवा करनी चाहिए या उनका कहाँ मानना चाहिए चाहे वो कितने ही मतलब पुराने हों डिवोटी तो प्रभु जी इस चीज़ की थोड़ी क्लैरिटी प्लीज हाँ। तो देखिए हम लोगों की जो श्रद्धा है ना वो बहुत कोमल है बहुत से कोमल एकदम तो बहुत बचा के रखना चाहिए छोटा बच्चा जो पेन होता है कई बार उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है है ना उसका बहुत ध्यान रखा जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया बेचारा रखा <laughs> तो हमारी श्रद्धा भी बहुत कोमल है तो बहुत ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो निंदा ना करते हों है ना ऐसे संग से बचना चाहिए निंदा का मतलब है दोषों का कीर्तन करना ये मतलब नहीं कि दोष है या नहीं सच्चा है कि झूठ है ये बात नहीं है दोषों का कीर्तन करना निंदा है भक्तिनाथ ठाकुर जी जिनका कल तिरुभाव दिवस था बोले तीन अवस्था में निंदा करने की अनुमति है तीन कंडीशन से हम किसी की निंदा कर सकते हैं पहला ये हमारे लिए लाभदायक हो सोचे मैं निंदा कर रहा हूँ मेरे लिए लाभदायक है तो कर लो दूसरा उस व्यक्ति के लिए लाभदायक हो तीसरा पूरे जगत के लिए लाभदायक हो अगर ये तीन कंडीशन से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप निंदा कर सकते है। होती है कभी ऐसे <laughs> नहीं होती तो कोई व्यक्ति उस... गलत कर रहा है और हमें लगता है गलत कर रहा है तो हमारे सेवा में बाधा आ रही है तो हम जाके जो उसकी अथॉरिटी है उसको जाके चुपचाप बता दें जय श्री श्री राधा माधव जी की जय श्री श्री कौनता प्रभु जी जैसे हम मतलब वो बात कर रहे हैं किसी के बारे में तो उनको हम कैसे चुप करा सकते हैं उसी वक्त तो जा नहीं सकते उनको छोड़ के कि वो, वो कहेंगे मेरी बात ही नहीं सुन रहे तो मैं तो बड़े कुछ भी उनको करो बता रहा। कुछ भी करो ये हमारी बुद्धि है अपनी श्रद्धा की मैंने खुद रक्षा करनी है महाप्रभु ने बोला है कि इस बीज के माली हम खुद हैं इसके इसका, इस, इसका पोषण करना इसका पालन करना इसका बचाव करना मेरी जिम्मेवारी है हम हाँ ये नहीं बोलेंगे मैं तो भगवान धाम पहुंच ही गई थी तुम्हारे कारण रुकी तुम्हारी एक निंदा सुनी मैं रुकी नहीं तो मैं वहाँ पर वाली थी भगवान धाम <laughs> क्यों सुने कान आपके हैं इच्छा आपकी है ये आपके ऊपर तो हमें ही बचना है कुछ भी करके कैसे भी बचे है। ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी आपने बताया कि हमें डिवोटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिस्पेक्ट को हम कैसे समझ सकते हैं रिस्पेक्ट को कैसे समझ सकते हैं कि किस टाइप से रिस्पेक्ट करनी चाहिए कैसे उनको फादर देना चाहिए देखिए एक तो रिस्पेक्ट है देना जो कि वैष्णव सदाचार के अंदर आता है उसके वैष्णव सदाचार हैं कि कैसे हम अपनी रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं और एक है रिस्पेक्ट है हृदय से हमको रिस्पेक्ट करना कि ये जो भक्त हैं जो भी हैं ये बहुत विशेष हैं ये वो जानते हैं इनसे मुझे बहुत मदद मिली है बहुत सहयोग मिला है तो उनके पति कृतज्ञता और आदर की भावना और उसको जैसे प्रदर्शित करना है जो वैष्णव सदाचार के अनुसार है उसके साथ उसको प्रदर्शित करें कृष्ण गुरु जी इस जी, हरे कृष्ण गुरु जी कहते हैं कि विधि का विधान यश मान सम्मान ये सब विधि का विधान है जीवन मृत्यु सब विधि हाथ जैसे आप एक बीज की बात कर रहे थे वो बीज भी वृक्ष बनेगा पूर्ण निर्धारित है उसकी क्या गति होगी क्या उसकी हाइट होगी उसी तरह से प्रत्येक आत्मा का भी जो लक्ष्य है आध्यात्मिक लक्ष्य है जो उसने भक्ति योग में स्तर हासिल करना है क्या वो भी पूर्ण निर्धारित है कि वो सोल वो आत्मा कितना जप करेगी किस स्तर तक पहुंचेगी और किस स्तर तक उसकी कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियस तक विलीन होगी क्या ये सब पूर्ण निर्धारित है या इसमें हस्तक्षेप हाँ किया जा सकता है इसकी गति को बढ़ाया जा सकता है देखिए इस संसार का जो भी कार्य है भगवान गीता में बताते हैं उसके पीछे दो कारण है एक हमारे प्रयास दूसरे भगवान का सेंक्शन अठारहवें अध्याय का चौदहवा श्लोक है उसे भगवान ये बताते हैं ओके ये तो एक साधारण कार्य में हो गया आप इसमें कितना परसेंटेज हमारा प्रयास है कितना परसेंटेज हमारा भाग्य है ये पता लगाना मुश्किल है जैसे आप किसी व्यक्ति की कुंडली ले जाओ जो ज्योतिष के पास वो बोलेगा विवाह हो भी सकता है इस समय नहीं भी हो सकता है ना लक्षण आएंगे पचास पचास है बोला होगा ही होगा कुछ भी कलो नहीं हो सकता है ना तो नाइन्टी टन है एक बोला कुछ भी कलो होगा ही नहीं फाइव नाइन्टी फाइव ऐसा कर दो ये तो हमारे कर्मों का हिसाब है लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है भक्ति में क्या है वहाँ पे है प्रयास प्लस भाग्य फल है ना यहाँ पे हमारे प्रयास प्लस कृपा और ये प्रयास भी है ये कृपा को आकर्षित करने के लिए है तो एक प्रकार से भक्ति पूर्ण रूप से भगवान और भक्तों की कृपा पर निर्भर है और कृपा इस संसार के सारे नियमों से परे आपकी कुंडली में है कि इसका तो सत्यानाश है राहु भी इसके पीछे पड़ा हुआ है शनि भी पीछे पड़ा हुआ है इसका कुछ नहीं हो सकता बहुत ही बुरी हालत है लेकिन आपने किसी ढंग से भक्तों के संग में आके जब शुरू कर दिया खूब उत्साह से भक्ति कर रहे हैं तो जो ज्योतिष है वो भी पागल हो जाएगा हो क्या रहे हम तो कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं तो पूरा कृपा पर निर्भर है और उस कृपा को आकर्षित करने के लिए हम जितना उत्साह से प्रयास करेंगे और कृपा को आकर्षित कर सकते हैं तो इसमें कोई प्रशन काम नहीं कर सकते भगवान की कृपा सर्वोपरि है ठीक है तो हम सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी कादम ने की जय श्री की जय शील प्रभुपाद की जय निताई गोर प्रमानंदे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस वो बहुत ही सुंदर विषय था चर्चा का प्रभु जी का क्लास जो है तो ये जो टॉपिक है परसों होगा शाम को साढ़े छः से लेकर साढ़े आठ तक कल संडे फेस्टिवल कार्यक्रम में दिन दोपहर में शाम सा, को साढ़े सात से सॉरी सात से नौ बजे तक और, और परसों सुबह भागवतम क्लास भी रहेगी प्रभु जी का परसों सुबह श्रीमद भागवतम क्लास रहेगी और कल सुबह जो भागवतम क्लास है हमारे और एक भक्त आए हैं पंजाबी बाग टेम्पल से जिसके मोहन गौरचंद्र प्रभु जी उनका कल सुबह श्रीमद भागवतम क्लास रहेगा बोल